गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अभी थोड़े से चेंजेस अपन कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में और जूम मीटिंग में। अभी अपने ग्रुप में कोई भी मेंबर अंदर आते वक्त फॉर्म भरे या ना भरे वो कंपलसरी नहीं था। अभी अपन ने उसको कंपलसरी कर दिया है, वो ऐड तभी होगा जब वो फॉर्म फिल करे। जूम मीटिंग में कैमरा ऑन करो या ना करो कंपलसरी नहीं था। अभी जो लोग कैमरा ऑन रखेंगे केवल उतने ही लोग रहेंगे, कम लोगों के साथ हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जिन लोगों को अपनी ऐसा लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी हर्ट हो रही है कैमरा ऑन करने से, तो वो कोई और प्लेटफॉर्म देख सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, जिसको कोई भी क्वेश्चन पूछना वो अपना हैंड रेज कर सकता है। ऐश्वर्या जी बताइए, और जिन लोगों के कैमरा ऑन नहीं हुए हैं किसी भी वजह से उनको मैं अभी मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। बाद में हेलो, गुड इवनिंग सर। माइक अपने बंद कर लीजिए, माइक ऐश्वर्या जी का चालू है। यस सर। हेलो, एक सेकेंड एक सेकेंड। पीयूष अग्रवाल, जोशना जी, चरणजीत जी, अर्चना जी, मैं अभी आपका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी आप लीव कर दीजिए। गौरव सर। हाँ जी सर, कपूर साहब को ऑपरेट नहीं करना आता, उनको मैंने समझाया, उनको आ नहीं रहा, तो मुझे उनके घर जाकर समझाना पड़ेगा। वो जब उनको समझ में आ जाएगा तब वो ज्वाइन कर सकते हैं, नियम सबके लिए एक ही है। हाँ ठीक है सर, ओके। नो वीवीआईपी ट्रीटमेंट। ओके नीलम जी, आपका भी कैमरा ऑन नहीं है, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। और ये आईफोन XR को भी बाहर कर। शशिकला जी, आपको बाहर कर दें, आपका कैमरा ऑन नहीं है।
ठीक है, अभी सबका कैमरा ऑन है, जितने बाकी जो जिनके बनते हैं उनको बाहर कर दिया। ठीक है, बताइए ऐश्वर्या जी। यस, गुड इवनिंग सर। यस सर, मैंने आपको कल मैसेज किया था कि मुझे भी पीसीओएस डिटेक्ट हुआ है। मेरे मेंसेस हमेशा रेगुलर रहते हैं, हमेशा से टाइम पे आते हैं, लेकिन मेरे को फेशियल हेयर ग्रोथ और एक्ने का प्रॉब्लम है। तो मैंने अभी बीच में किया था 21 डेज तक फ्रूट फास्टिंग। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल है सात्विक मूवमेंट, उनको मैंने फॉलो किया था। तो वो डाइट फॉलो करने से मेरे एक्ने तो पूरे चले गए थे, लेकिन मेरा वेट लॉस हो गया। मेरा ऑलरेडी कमी था वेट और 4 kgs कम हो गया। तो मुझे मेरी डिसीज को भी क्योर करना है, बट मुझे साथ में वेट भी गेन करना है, और सिर्फ फ्रूट डाइट करने से मेरा वेट कम हो जाता है। देखिए, आपके हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से आपकी बॉडी नहीं चल सकती। यस सर, है ना, आपकी बॉडी ज्यादा इंटेलिजेंट है आपसे। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसी की माननी पड़ती है जी, बेवकूफ आदमी की नहीं मान सकते जी। आपका टारगेट है कि वेट कम ना हो जी, आपका ये भी टारगेट है कि आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट भी हो जाए। वो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। ओके, क्योंकि अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलेंगे तो वेट तो कम होगा जी। जहां तक फास्टिंग की बात है तो हम यहाँ पे कोई फास्टिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं। आपको जितना मर्जी खा सकते हो उतना मर्जी खाना। इनमें यदि 10 बार खा सकते हो तो 10 बार खाओ। रात को 3 बजे उठ के खाना है तो 3 बजे उठ के खाओ। एक दिन में 50 केले खाने तो 50 खाओ, 100 खाने तो 100 खाओ, कोई मन नहीं। ओके, तो देयर इज नो फास्टिंग। उसके बाद भी यदि बॉडी डिसाइड करती है कि वेट कम करना है तो ये जरूरी है आपके लिए। ओके, उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकती हूँ ना, मतलब दूध बस मैं लेती हूँ बनाना के साथ, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते, उसमें रीजन है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान करेंगे। ओके, आप नहीं ले सकते। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। अभी जो लोगों ने कैमरे ऑफ किए थे उनको मैंने टेम्परेरी वेटिंग रूम में डाला था, अब मैं परमानेंट रिमूव कर रहा हूँ। वो दोबारा यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ज्योति अग्रवाल जी, आपको भी परमानेंट रिमूव करना है? और नीति जी, आपको भी? सर, कैमरे ऑन रखने हैं या ऑफ रखने हैं? ऑन रखने हैं। ऑन ऑन रखने? अच्छा, मुझे लगा ऑफ रखने हैं, इसलिए ऑफ रखे हुए हैं। ऑन कर देते हैं। सॉरी सर। हाँ सर, थोड़ा टाइम दीजिए सर। मैं तो पर्पसली ऑफ रखती थी, मुझे लगा ऑफ रखने हैं। सर, आप ये मैसेज को ना सर टेलीग्राम में डाल दीजिए तो सर अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अब सर क्या है, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना सर ये चीज़? मैंने आपको बता दिया, आप इतने सारे लोग हैं, आप सब लोग टेलीग्राम पे डालो एक बार। ठीक है सर, डाल दूंगी सर, ये काम कर दूंगी। हाँ,
अभी मैं ये ज्योति अग्रवाल जी को यहाँ से रन कर रहा हूँ। नमस्ते सर, मेरा आज फर्स्ट डे है, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। मेरा भी फर्स्ट डे है स्ट्रिक्ट होने का, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं बहुत स्ट्रिक्ट। स्मृति जी, अच्छा एक काम करिएगा सुमृति जी, जो लोग कैमरे ऑफ करके रखे ना भी, उनको आप परमानेंट रिमूव कर देना। सर मेरे पास, सर आप मेरे को वो देंगे तब तो मैं कर पाऊंगी सर। हाँ मैं वो देता हूँ आपको। सर ऐसा मत करिए ना। नहीं एक्चुअली क्या है, मेरे पे कल दिन भर में 50 लोगों का सारा काम मेरे से कराना है क्या सर? मेरे पे कल दिन में और आज दिन तक 50 कॉल आए, ठीक है ना? तो मैं इतने सारे कॉल हैंडल नहीं कर सकता, तो मुझे छटनी तो करनी। सर मेरे को भी हैंडल करने होंगे सर। हाँ तो छटनी कर रहा हूँ मैं इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, छटनी कर। अब ये आपको ऐसा ऑप्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सुप्रीति जी को होस्ट बनाना पड़ेगा। होस्ट बना दिया मैंने आपको, चलो अब आप करते रहिएगा, मैं मीटिंग लेता हूँ। सर ठीक है, सर ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग अभी शुरू ही नहीं कर पाया। रिकॉर्डिंग लेटना चल रही है क्या सुप्रीति? हाँ सर चल रही है रिकॉर्डिंग, ऊपर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है चलिए, तो नेहा जी बताइए क्या कह रहे हैं। सर जो रूट कनाल के रिलेटेड बात हो रही थी, उससे पहले क्या सीबीसीटी स्कैन करवा लेना चाहिए जो 3D इमेज शो करते हैं? नहीं मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा सीबीसी स्कैन करवाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन्फेक्शन बॉडी में होता ही नहीं है। और रूट कैनाल यदि आपकी है आप निकलवा सकते हो तो निकलवा। सर उस मूवी में ये भी था ना कि सिर्फ निकलवाना तो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो क्लीनिंग होती है उसके लिए भी डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे होगी, कुछ ऐसे फर्स्ट स्टेप करो पहले। पहला स्टेप है तो पहला स्टेप करो, फिर सेकंड अपने आप मिले। ओके सर। एक चीज और पूछनी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई बुक है फ्रूटेरियंस वगैरह पर, मुझे खुद को एजुकेट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी आप चाहते क्या हो। मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है खाने की ना, तो मुझे पता है वो समझ से ठीक होएगी, और अभी मुझे बस ये है कि कुछ दिन करना है ठीक हो जाऊंगी फिर, बट अगर इसे अपनाना ही है तो उसके लिए समझ होनी चाहिए। और फूड खाते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है अभी? आज 13th डे है। एक आध महीना तो लगेगा। ओके पूजा जी आप बताइए। गुड इवनिंग सर। सर दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो सर मुझे ऐसे पूछा था कि मुझे बहुत ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, लाइक आई हैव इन्फ्लेमेशन इन द स्टमक और जॉइंट्स पेन, थायराइड, तो मुझे किस तरह, और मैंने जो मुझे पेट में काफी जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब अभी मेरा ना डायग्नोस भी प्रॉपर नहीं है कि व्हाट इज दिस, कि क्रोन्स अल्सरेटिव पता नहीं, क्योंकि कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी बार बार मोशन जाना पड़ता है, और जॉइंट्स में भी पेन स्टार्ट हो गया है। तो आई वॉन्ट टू आस्क मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, शुड आई गो फॉर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, या मुझे डाइट से ही ये चीज करना चाहिए, और कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं हर तरह के फ्रूट्स भी नहीं खा सकती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई नाम दें अपनी प्रॉब्लम को, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, आपके लिए नहीं। यदि आप कोई डायग्नोस कर लेते हो कि भाई ये प्रॉब्लम, तो आप ठीक हो जाओगे, तो हम आपकी स्टोरी बना के डालेंगे कि पहले इनको ये प्रॉब्लम थी अब ये ठीक हो गई, लेकिन अभी आपको डायग्नोज ही नहीं हुई है, अब आप जबरदस्ती एंडोस्कोपी कराओ,
कुछ भी करवाओ, उससे कोई फायदा नहीं है इसका। इससे अच्छा ये है कि एक महीना फल खा लो। अच्छा तो सर फल में भी किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे करना है मतलब? तो सर अगर जैसे क्रोन्स या कोलाइटिस या कुछ भी होता है तो वो फल से क्योर होता है? हो जाएगा। तो सर किस तरह से स्टार्ट करना होता है, इसमें कैसे क्या खाना होता है? पहले बाजार जाओ, फ्रूट मार्केट में फल खरीदो, घर पे लेके आओ, फल काटो और खाना शुरू कर दो, हो जाएगा। सर किस तरह के फल खाने चाहिए, क्योंकि सिट्रस तो मैं खा नहीं सकती हूँ, मैं मोस्टली बनाना या पपाया ही खाती हूँ। बस बनाना पपाया ही खाओ आप। और सर मैंगो वगैरह? मैंगो भी खा लो। अच्छा तो सर पूरे दिन भर में किस तरह से स्टार्ट, मतलब कैसे स्टार्ट करना है? एक बार पपाया खा लो, फिर मैंगो खा लो, जो जो आप खा सकते हो वो एक एक बार में खाते हो। अच्छा और सर मेरा ना इसमें भी, मैं भी ये बोलना चाहती कि मेरा लास्ट इसमें 22 kg मैंने लॉस किया है, तो अभी मैं तो बहुत अंडर वेट हूँ। आई एम ओनली 33 kg एंड माई एज इज 37 एंड आई एम 5'1". तो सर मैं अगर फ्रूट डाइट, मतलब ये जो फ्रूट्स है उनसे मेरा कम नहीं हो, जब बड़े भी नहीं लेकिन कम नहीं हो, तो कम होगा या नहीं होगा ये आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। मान लो आप बोलो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मान लो आपको अंदर चेक कराना, अंदर से पूरी आपकी जो कोलोन है, इंटेस्टाइन्स है, वो पहले से ब्लॉक है, तो अब आप बोल रहे हो कि वो खुल भी जाए और वजन भी कम ना हो। अच्छा तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर तो आप ये है कि खाओ दाल बाटी चूरमा लट्टू वगैरह सब खाओ, जो होगा देखा जाएगा, वजन बढ़ाओ पहले आप। जब आपको ठीक होना हो तब यहाँ पे आओ, जब वजन बढ़ाना आपके दिमाग में ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, फर्स्ट माय प्रायोरिटी इज टू रिवर्स माय डिजीज। आप बोलो ना कि प्रायोरिटी आपकी ये है कि वजन आपका घटे ना। नहीं सर मैं पूछ रही थी कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो हम कम खाने की तो बोल नहीं रहे आपसे, उसके बाद भी यदि आपका वजन घटेगा तो ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा तो सर कोई भूखा रखने की कोशिश नहीं की जा रही है, पेट भर के ज्यादा से ज्यादा खाने की आवश्यकता। अच्छा और सर मैं ऐसे पूछ रही थी जैसे अगर मैं इस डाइट पे जाती तो हमको जैसे आपसे किस असिस्टेंस मिलेगा? ये असिस्टेंस ही तो है। नहीं जैसे इसमें डिटॉक्स सिम्टम्स वगैरह भी होंगे ना, कुछ डिटॉक्स सिम्टम्स सब होंगे, आप डेली 3 बजे आ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आया आप डिस्कस कर सकते। अच्छा और सर मेरे को एक चीज और पूछनी है कि फ्रूट्स में है ना जैसे मोनो फ्रूट्स खाने हैं और कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं? और सर जैसे फ्रूट्स के साथ में थोड़ा जैसे इलायची पाउडर वगैरह डाल सकते हैं कि सिर्फ सिंगल फ्रूट? इलायची पाउडर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अच्छा नहीं डाल सकते, ओके सर। ओनली फ्रूट्स, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ नट्स वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं। ओके सर थैंक यू सर। राखी जी आप बताइए। गुड आफ्टरनून सर। मैंने अभी तक तो मैंने पानी ही लिया है और अभी आज मॉर्निंग से मेरे को फीवर नहीं है, 98 दिखा रहा है, कल रात को सोने के वक्त तक था 100, अभी फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है। बट बस ये है, खाने का मुझे बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं हो रही तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, आई एम ओनली ऑन वाटर। पर बस ये है कि सवेरे जब मैं थोड़ा सा किचन का काम कर रही थी तभी थोड़ा मुझे ऐसे एकदम वीकनेस हो रहा था कि मुझे करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके फिर काम कर रही थी। तो अभी मैं क्या करना चाहिए, मतलब आज मैं कंटिन्यू करूँ वाटर फास्ट और कल से स्टार्ट करूँ फ्रूट खाना? वाटर फास्ट कंटिन्यू करो, रेस्ट भी करो, काम करने की कोशिश मत। तो मैं कल से खा सकती हूँ फिर सर कि क्या करूँ? कल भूख लगे तो खा लेना। ओके हाँ ठीक है फाइन। नीति जी बताइए। सर कल मैंने वाटर फास्टिंग की थी तो कल तो मैंने कर ली थी, आज 12 बजे तक मैंने कर ली, उसके बाद 12 बजे मैंने खा लिया। तो मुझे थोड़ा ये आइडिया लेना सर कि मैं अपना रूटीन कैसे सेट करूं।
भूख लग रही है तो खा लो, नहीं लग रही है तो पानी पियो। मतलब जैसे अगर मैं सुबह दोपहर को एक एक मतलब जैसे 2 बजे के आसपास खा लूं, बाकी वाटर डाइट कर लूं, वाटर फास्टिंग, तो ऐसे ठीक रहेगा? अब आपने इतने सारे दिन वाटर फास्ट किया, आपका वजन कुछ कम हुआ? वेट कम हो जाता है, पर जब मैं खाती हूँ तो फिर वापस बढ़ जाता है। कम तो हो जाता है, 1 किलो एक दिन कम हो जाएगा, अगले दिन फिर बढ़ जाता है जब मैं खा लेती हूँ तो। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, वाटर फास्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करनी है उसको। मतलब 1 से 2 दिन तक, 2 दिन कंटिन्यूस। मतलब अभी आप भले ही 2-3 दिन फ्रूट खा लो, फिर जब भी वाटर फास्ट करना तो 2 दिन करना। ठीक है सर, एक चीज और पूछनी थी, जैसे अगर एसी और कूलर में हमें चूज करना हो तो हमें क्या लगाना चाहिए या कुछ भी नहीं लगाना चाहिए? कूलर एसी से बेस्ट है, कूलर बेटर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। विजय जी बोल। हेलो सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग fruit fast. I just want to know how much of, like, is there a minimum quantity of fruits that I need to consume every day? No minimum. You have to listen to your body and mind, and it will go with your hunger. It will go with my hunger. Hunger. Yeah. So it's like, should I finish my dinner by specific time, or I can eat whenever I'm feeling hungry? There is no time. You have to decide when to eat on your hunger. We are not designed to eat on a particular times, like in the morning or in the afternoon. We go with the hunger. Okay. And what type of fruits I shouldn't eat? All seasonal and local, sweet, fresh, ripe fruits. Avocados are fine? No, avocado is not fine because it is very high in fat. So it should be restricted. Once a while in a week, we can eat. Okay, okay. Yeah. That's all I had. Thanks. Sir, कुछ नए जन ऐड हुए अगर फिर से अगर बोल दिया जाए तो ठीक रहेगा सर? बोलिए आपको मैंने सबको रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन कर लेने का। सर अगर बीच में कहीं जाना वाना पड़ जाए तो जा सकते हो कैमरे के साथ, मतलब साथ में लॉग आउट करके जाइए पर्सनल भी। अच्छा ठीक है सर, मैं तो फोन पर देखती हूँ, फोन साथ लेके चलते रहूँ फिर? फोन स्विच ऑफ कर दीजिए आप। ठीक है ठीक है। नफीसा मैम का बंद है कैमरा। आई विल जस्ट ऑन, आई विल जस्ट ऑन। एक नीलम जी का और रेखा जी का सबका देख रहे हैं आप जो भी अब किसी से वैसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रिमूव करो। अमन किशोर रिक्वेस्ट करेंगे ना तब अपन ऐड करो। गाइस आपने पहली बार बोला कि अपना कैमरा ऑन रखना, मैंने तो कभी सुना नहीं आपने बोला। मैंने जीवन में पहली बार किए और मुझे इनिशिएट करना पड़ता है चीजों को बदलने के लिए हमेशा ही, तो वो कई चीजें आवश्यक हो जाती हैं। चलिए अब किसी और का कोई क्वेश्चन? यस सर, मुझे एक और चीज पूछना था सर। मेरा फर्स्ट डे तो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन है मुझे, फ्रूट्स खाना, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते? उसके अलावा क्या खाना चाहते हो? मतलब जो हम लंच डिनर में जैसे रोटी सब्जी खाते हैं तो वो कुछ भी नहीं लेना है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, और सर कब तक करना है? 1 महीना तो करो, उसके बाद फिर मतलब आपसे बात करूं कि फिर टेस्ट कराऊं कि ठीक हुआ है कि नहीं? अभी आप डेली यहाँ आते रहिए।
जी ऐसा एक महीना निकलेगा नहीं आसानी से, यू विल नीड आवर हेल्प. यस सर. ओके सर. और सर मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं कितने भी फ्रूट्स खा सकती हूँ ना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है. कितने भी खा सकते हो आप? जैसे एक दिन में 10 बनाना भी खा सकती हूँ. एक बार में 10 बनाना भी खा सकते हो, एक दिन में 100 भी खा सकते. ठीक है सर. ओके सर. वो मैं एक बार भूल से साइन आउट हो गई थी तो वो मेरा होस्ट का वो हट गया सर. कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं. को-होस्ट बना दो. को-होस्ट कैसे आता ऑप्शन ये कल्याण? वो उनके नाम में क्लिक करेंगे ना तो ऑप्शन मिल जाएगा सारे. मेक को-होस्ट, मेक होस्ट, सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन टाइप निकल के आते हैं. पार्टिसिपेंट लिस्ट में रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स के नाम पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शंस मिल जाएंगे. माउस होवर कर रहे हैं तो मोर आ रहा, मोर और एक एरो. I again request all the candidates to please open their camera. मैंने मैसेज भी डाल दिया लिख के वहाँ टेलीग्राम में भी यहाँ पे भी. सर कोई कोई कैंडिडेट पे डिस्कशन चल रही थी आधे घंटे के लिए बिकॉज़ आई वाज नॉट एबल टू जॉइन. सर कोई कोई सर ऑफिस से जॉइन कर रहे सर, क्या उनको हम लोग वो दे सकते हैं सर? देखिए रिकॉर्डिंग सबके लिए अवेलेबल है, जिसको कैमरा ऑन नहीं कर सकता वो बाद में देख सकता है. ठीक बात है सर. ठीक है सर. ओके सर. सर आप बना दिए मेरे को सर? हुआ नहीं सर. मैं बना रहा हूँ. वो को-होस्ट वाला ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैं होस्ट बना रही हूँ. मैं तो होस्ट बना दिया आपको. चलिए सर एक सवाल आपसे. सबके कैमरे ऑन होने चाहिए ना? सबके कैमरे ऑन होने चाहिए, बाकी जो नहीं करेगा वो अभी मीटिंग से बाहर रहेगा. अच्छा ओके. मुदिता अग्रवाल जी आप बताइए. हेलो सर. सर मैं 3 दिन से ये फ्रूट डाइट पे आई हूँ तो मेरे को ना बहुत वीकनेस लगती है, मतलब बीच बीच में इतनी ज्यादा वीकनेस लगने लग जाती है कि मतलब फिर उस समय मेरे को अजीब सी मतलब बेचैनी सी हो जाती है. और थोड़ा मेरा कई दिन से ना सर थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मेरे हार्ट में स्टंट डले हुए हैं 3 स्टंट, तो वो कुछ हमको वो अजीब सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़े दिन से हो रही थी. तो अभी हम देख रहे हैं ये फ्रूट हम खा रहे हैं थोड़ा हमको फिर पता नहीं भूख जल्दी लग जा रही है और फिर वो ये अजीब सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जा रही है. तो जल्दी जल्दी खाइए ना सर. खा मतलब खा नहीं पा रहे था जल्दी जल्दी फ्रूट. क्यों? एक वो सर एक तो घर से मेरा फूड का बिजनेस चलता है तो थोड़ा मेरा हमको टाइम नहीं मिल पाता इतनी जल्दी जल्दी काट के खाने का. काटने की क्या जरूरत है, आप तो खाते जाइए. सर वाटरमेलन तो काटना पड़ेगा ना. कोई बात नहीं, केले रख लीजिए थोड़े से अपने पास, एप्पल रख लीजिए. अच्छा एप्पल तो नहीं मंगाता, मैंगो बनाना वाटरमेलन यही था बस सर घर में, तो अभी 2-3 दिन से यही सब खा रही थी. आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, बॉडी आपकी पहले से ही बहुत वीक है और फूड डाइट पे हम हैं, उसमें भी यदि आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ओ हाँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने लग मतलब हमको थोड़ा चक्कर आने लग जा रहा है. और सर मेरा कल आईज भी टेस्ट हुआ था तो मेरा मतलब रीडिंग ग्लासेस आए हैं, उसमें मेरा +1.75 आया है. खाली डॉक्टर ने बोला रीडिंग के टाइम में लगाने के लिए. ठीक है तो ये करवा ले सर, बनवा मतलब ये स्टेक करवा ले हम अपना. इसमें तो बनवाना ही पड़ेगा. अच्छा और उन्होंने बोला है कि मतलब आपको खाली रीडिंग के टाइम में लगाना है, अदरवाइज फिर आपको मतलब यूज ही नहीं करना, नहीं तो आपका आई साइड और वीक हो जाएगा. हाँ सही बोला.
अच्छा, रीडिंग के समय भी यदि आपको लगे आवश्यक है तो लगाना, नहीं तो मत। अच्छा हाँ, नहीं पढ़ने में तो थोड़ा दिक्कत होता है सर, मतलब वो मेरे को फोन में भी ज्यादा अच्छे से नहीं दिखता है, बुक रीडिंग करते हैं तो उसमें भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तभी मैं कल चेकअप कराने गई तो उन्होंने मेरे को कुछ ब्लड टेस्ट भी बोले कराने, क्योंकि वो बोले आपके आईज में थोड़ा पेल हमको दिख रहा है, तो उन्होंने ब्लड शुगर और ब्लड के सारे टेस्ट और ईसीजी। आप फिर है ना एक अच्छा सा पैकेज करा लो। अच्छा, जिसमें सारी चीजें आ जाए। अच्छा, मतलब ब्लड के सारे टेस्ट हो जाए। हाँ, दो एक हजार रुपए का एक पैकेज करा लो, आरोग्यम 1.4 होता है। अच्छा, वो करवा सकते हो आप। ओके, सारी चीजें आ जाए। अच्छा ठीक है सर। और पानी में तो बस वो थोड़ा सा कभी कभी नींबू पानी पी लेते हैं, तो ऐसे ठीक है ना सर? नींबू पानी मत पियो आप, अभी फल खाओ। अच्छा, नींबू पानी ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। संगीता जी, चेतना जी और नीति जी बताइए। You were saying something, Sukriti? To open the camera. It's sir का आज से instruction है camera खोल के रखना। थोड़ी देर में जब मैं उठ जाऊंगी, अभी मैं सो के just उठी हूँ, and मेरे को सोए हुए camera नहीं on करना अच्छा लगता है। चेतना जी बताइए। अभी नया अभी अभी ज्वाइन किया है ना, 5 मिनट का टाइम देते हैं, बाद में उनको समझा देंगे। अभी उनको यस सर, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स सर, थैंक यू। राशि जी आप बताइए। हाँ नमस्ते गौरव जी, एक्चुअली मुझे पता करना था कि क्या हम फलों की आइसक्रीम बना के खा सकते हैं, मतलब सिर्फ फल उसको फ्रीज करके, क्योंकि गर्मी के दिन है। आप यहाँ क्यों ज्वाइन किया? हाँ, यहाँ पे ज्वाइन क्यों किया ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं ज्वाइन एक्चुअली मुझे मतलब थोड़ा देखने के लिए कि कैसे काइंड ऑफ नॉलेज गेनिंग, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है फ्रूट का, अभी मैं करने वाली हूँ, सो आई एम प्लानिंग, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता, इसके लिए मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेती। तो देखो मैं आपको बताऊं कि यदि हम कोई चीज ठंडी खाएंगे, हाँ, तो वो बॉडी में ठंडी तो रहेगी नहीं। हाँ, उसको गर्म करना पड़ेगा, तो वो एक एनर्जी हमारी बॉडी को अलग से स्पेंड करनी पड़ेगी उस आइटम के ऊपर। अच्छा, तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन। हम उसमें यदि केवल एक पर्टिकुलर फ्रूट लेते हैं तो आपकी आइसक्रीम बन जाएगी क्या? हाँ, मतलब अगर सिर्फ केले को फ्रीज करके, जैसे होता है ना एक सॉर्बे जो होता है, जो सिर्फ फ्रूट को सिर्फ फ्रीज करके बनाते हैं उसको पीस के। केले को आप पीस के बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, बस हाँ, माइनस पॉइंट। ओके ओके ओके, समझ गई। और अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है और वो इंसुलिन पे है, तो वो फ्रूट डाइट पे जा सकता है, मगर उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा ना? उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, यही पूछना था। राखी जी, आपका कुछ पेंडिंग है क्वेश्चन? हाँ सर, अदिति मुंद्रा जो मेरी डॉटर है, उसको अभी ऑलमोस्ट 50 डेज हो गए पूरा,
फूड ऐड पे, वो शायद वो सर कल से सोच रही है कि वो कुछ दिनों का ब्रेक ले, ताकि अभी उसके जाने का टाइम नजदीक आ गया है बैंगलोर कॉलेज हॉस्टल में, तो उसे ऐसा है कि मैं थोड़ा सा होम कुक फूड खाऊं ऐसा, तो जैसे उसकी वापस अगर समझो कल या परसों स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, जैसे हमने पिछली बार फंक्शन के पहले किया था दाल राइस खा के वैसे ही तरीके से ना सर? दाल राइस थोड़ा सा जो है कुक्ड मील में भी ज्यादा नुकसान करने वाला है। अच्छा, तो फिर सर क्या करें, किससे स्टार्ट करूं उसका? बॉइल्ड वेजिटेबल ज्यादा बेटर। अच्छा ओके, तो मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स मतलब कितने दिन पहले उसको बॉइल्ड वेजिटेबल्स कंटिन्यू करूं, जैसे 2 दिन और उसके बाद वो दाल खिला के देखिए पहले कैसा लग रहा है। ओके, जैसे स्टार्ट अगर कल कर रही है तो पहले बॉइल्ड वेजिटेबल दे हूं उसको। ओके और दाल राइस नेक्स्ट डे दूं सर कि क्या करूं? देखो दाल राइस ज्यादा नुकसान करेगा तभी भी आप दोगे, दाल खा के आप दोगे, कई लोग तो दाल खा ही नहीं पाते, तो दाल नुकसान करती है, कई लोग चावल नहीं खाते। ओके कुछ तो आपको चेंजेस परमानेंट बेसिस पे भी लाने पड़ेंगे, यदि आपने फूड डाइट किया है 1 महीना, अब आप कुक्ड मील शुरू करना भी चाहते हो तो कुछ चेंजेस यदि आप ला के शुरू करोगे तो आपको ये सब करने का फायदा है, और यदि आप वैसे के वैसे ही बनना चाहते हो दोबारा से जैसे थे तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी दोबारा से होंगी जैसी थी। जैसे जर्नी तो उसकी बहुत अच्छी रही सर, क्योंकि उसने हमने बीच में ब्रेक ले लिया था लेकिन उससे ब्रेक नहीं लिया, उसने कंटिन्यूअसली खाली जो फंक्शन के टाइम में जो ब्रेक लिया था 5-6 डेज का, उसके बाद वो कंटिन्यू करके आई थिंक उसके तो शायद 50 and above days हो चुके हैं। तो मतलब जैसे मैं कल वो कह रही थी मुझे आज, इनफैक्ट वो मुझे आज से कह रही थी कि आई विल स्टार्ट, बट देन आई सेड नहीं, मुझे सर से पहले बात करनी है कि तुम्हारा कैसा मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बैलेंस अपने को अंदर बनाना पड़ेगा कि हम अब आगे कैसा फील करना चाहते हैं, और यदि हम बेटर हुए हैं तो अब कितना खराब होने के लिए हम तैयार हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या खाना चाहते हैं। अरे सर उसकी स्किन वगैरह तो इतनी अच्छी हो गई है, इनफैक्ट उसका वेट भी इतना, she is lost sir from double XL to M, इतना ज़्यादा visible change आ गया है उसके अंदर, the skin color has become so different, skin has become very glowy. Still हम वहीं जाना चाहते हैं ना कि जहाँ से आए थे, हमारी वो तो चेंज नहीं हुई ना, फितरत तो चेंज नहीं हुई। क्या हो रहा है ना सर, अभी मैं थोड़ा मैं कितना भी दे दे, हम चाहते तो क्या है वही जैसे थे सर, एक्चुअली मैं तो बहुत के लिए आप पूछ रहे हो ना मुझसे कि सर अब जो है वापस जाना चाहते हैं, यहाँ बहुत मजा आया था लेकिन जो है नहीं नहीं, नॉट फॉर मी, ओनली फॉर अदिति सर, नॉट फॉर बोथ ऑफ अस, हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर अदिति पूछ रहे हैं ना अपन, फॉर अदिति बता रहा हूं। हां फॉर अदिति, या अब क्या है सर उसके जाने के सिर्फ 15 दिन बचे हैं अभी, नाउ शी इज वेरी विलिंग कि मैं ये अदिति ने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है कि अब आपको अपना जीवन कैसे जीना है, अब आपको पता है कि ये ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी जी सकते हैं, है ना? राइट, अब अपने को कैसा दिखना है कैसे जीना है ये आपको डिसाइड करना है। यू हैव ऑल द नॉलेज, now you can take your decision on your own according to your short term and long term objectives. You are free. अब आपको डॉक्टर बनना है, पेशेंट बनना है, सिक बनना है, हेल्दी बनना है, सुंदर बनना है, बच्चूर बनना है, इट्स ऑल अप टू यू।
अब आपको किसी से पूछना नहीं है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। हमने आपको फ्री कर दिया, अब आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जिसका क्वेश्चन हो वो हैंड रेस करे, और जिस जो हैंड रेस कर रहे हो मैं उनको नंबर वाई नंबर पूछता हूँ। एलिशा जी आपको कुछ पूछना है? गुड आफ्टरनून गौरव सर, मुझे एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा वियर्ड भी है कि जो फ्रूट्स मीठे नहीं होते तो क्या वो हमें एनर्जी नहीं देंगे? जैसे वाटरमेलन मैंने आज खाया, बिल्कुल मीठा नहीं था। वो बता रहा है ना कि मैं खाने लायक नहीं हूँ। ठीक है, तो यही पूछना था, जो नेचुरली है बना हुआ, मतलब बिना केमिकल्स के जो फूड प्रोड्यूस हुआ वो मीठा होगा, करेक्ट? नहीं, सीजन नहीं है समय वाटरमेलन का थोड़ा सा। अच्छा, बिकॉज मुंबई में मिलते हैं पूरे 12 मंथ्स मिलते हैं वाटरमेलन। मिलते तो हैं लेकिन सीजन पे अच्छे फ्रूट मिलते हैं, जो भी जैसे आप मान लो कि 6 महीने बाद आपको आम मिले, मिल सकता है, लेकिन सीजन आम का अभी है। आप मेरे को थोड़ा रिकमेंड करोगे अभी इस टाइम पे कौन से हैं? आम का है, केले का है, आलू बुखारा, प्लम्स, जामुन। ठीक है, क्या बोला आपने मैम? पपाया इज वन फ्रूट दैट आई डोंट लाइक, आई डोंट नो व्हाई। बाबू तोष पियर्स। ठीक है, थैंक यू। और एक मेरे को एक सेकंड क्वेश्चन है विनोद सर से, आप वो हैं कॉल पे? थैंक यू गाइस फॉर योर सजेशन, थैंक यू। गौरव, बेरीज भी क्या फ्रूट्स में आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी? और फ्रूट्स ही हैं स्ट्रॉबेरी। Is it a fruit? बिल्कुल। Can you hear me? हाँ, मतलब fruit as a fruit उसको खा सकते हैं। Seed का तो I don't know कि उसमें होता है या नहीं होता है, but I think होता ही होगा कहीं ना। Strawberry का seed उसके covering पे होता है, those little dots which are there. अच्छा, वो those are the seeds of the strawberry. अलीशा, बॉम्बे में तो अंजीर आ रही होगी ना? अंजीर मैंने देखी नहीं मैम, मैं अभी तक नहीं देखी, मेरे एरिया में नहीं देखी, बट इज अंजीर स्वीट? आई डोंट, या अंजीर आर स्वीट, यस। ओके, आई विल चेक आउट, अगर मिलेगी तो आई विल। आप भी बॉम्बे से हो क्या मैम? हाँ, यस, आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओनली, तो वी आर गेटिंग राइट नाउ अंजीर। आई कैन रीड योर नेम, माय नेम, ओके, राखी मैम, ठीक है, मेरे को दिख नहीं रहा था मेरी स्क्रीन। ओके, आप कौन से एरिया से हो मैम, इफ यू डोंट माइंड? बोरिवली। ओके, वेरी नियर बाय, आई स्टे इन कांदिवली। ओके, ग्रेट, ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड अंजीर। या You are getting good papayas right now. Papayas are in season in here in Bombay, na? We are getting really okay. Good papayas here. Sweet. Yeah, papayas are very good right now. Yeah, they are very sweet. Okay. Apples, so, I wanted to try, but I haven't actually bought yet. But I was thinking maybe today or tomorrow I'll go and buy, because we are getting that fresh papaya, this apple, you know, the tiny apples, they are saying they are local apples. I haven't okay, tried even yet. I'm purchasing local apples. They are sweet. Okay. I will see. Okay. Thank you. Bye. Nandini ji, Sujata ji, Sangeeta ji aur Pooja Chopra ji, please apna camera khol le. पूजा जी, आपका कोई क्वेश्चन? I am driving. सर, मुझे ये पूछना था कि कैन वी कंटिन्यू अवर मेडिसिंस? नहीं, मेडिसिन आपको बंद करनी पड़ेगी पूजा। अच्छा, मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी।
आप अपनी मेडिसिन की डिटेल्स मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए। ओके सर। गौरव सर मेरे को एक क्वेश्चन और है, वो ये कि जैसे मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, सब लोगों को पता है कि आपने रिकमेंड किया हुआ है कि टूथपेस्ट नहीं लेना, सोप्स वगैरह यूज नहीं करने, बट ये इन्फॉर्मेशन आपने किस कॉल पे दी है? आई वॉन्ट दैट रिकॉर्डिंग, आई एम नॉट एबल टू फाइंड, बिकॉज मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली है यूट्यूब पे, बट क्या कोई ग्रुप है जिसका मैं पार्ट नहीं हूँ, या फिर ऐसे ही पूछ रही थी? टेलीग्राम में तो आप हो ना? टेलीग्राम पे मैं हूँ, लेकिन मैं जो आप पोस्ट डालती हूँ ना उसमें मैं जैसे ही कुछ कमेंट करना चाहती हूँ तो लिखा हुआ आता है कि दिस चैनल इज प्राइवेट प्लीज ज्वाइन, तो मैं ज्वाइन हूँ और नहीं भी हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लेना, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपका टेलीग्राम पे आईडी किस नाम से? मैं एक अली, आई थिंक अली नाम है उस पे। वन सेकेंड, मैं आपको एक मैसेज डाल देती हूँ अभी। हाँ, अलीशा नाम से है, आप ऑनलाइन आ गए, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको भेजा एक मैसेज। वन सिंगल टिक हुआ है अभी, बट आप ऑनलाइन देख रहे हो। मैं इस ग्रुप पे हूँ, ये लिविंग विदाउट मेडिसिन, 481 सब्सक्राइबर्स है इस पे। वो चैनल है। ओके, मैं फिर ग्रुप में नहीं हूँ, आप प्लीज मुझे ऐड कर दो। गौरव सर मुझे 20 मिनट दीजिए, मैं बस घर पहुंच रही हूँ, फिर मैं हैंड रेज करके आपसे बात करती हूँ। पूजा बोल। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैंने ऐड कर दिया आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मुझे एक क्वेश्चन और था कि हमें वाटर कितना चाहिए होगा, वाटर कितना ले सकते हैं? पानी आपको इतना लेना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, सर दर्द ना हो, क्रैम्प्स ना आए। अच्छा, और सर पानी आरओ का लेना चाहिए कि नॉर्मल वाटर? नॉर्मल वाटर। ओके सर। सर नहीं दिख रहा है टेलीग्राम पे मुझे कोई ग्रुप। ऐड किया ना मैंने आपको? मेबी शायद मुझे नहीं किया आपने, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे टॉप मोस्ट चैट आप ही की दिख रही है, अभी अभी मैंने हाय लिख के आपको भेजा। Eat fruit and heal. हाँ, इस ग्रुप में मैं नहीं हूँ, इस ग्रुप में नहीं हूँ। Eat fruit and heal. Okay, okay, okay. अभी अभी दिखा 242 members. ठीक है, thank you, thank you. कल्याण सर ने ऐड कर दिया आपको, मैं तो कर दिया। देख लिया मैंने, ठीक है, thank you कल्याण सर। Yes, you are added. Thank you. चलिए। ये पूजा जी का, मुदिता जी का, अलीशा जी का क्वेश्चन हो चुका है, तो इनके हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। सर मुझे एक बार कुछ और पूछना था। आप पूछिए। आप सर, मैं थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ और हार्ट के लिए वो इको स्प्रिंग गोल्ड, तो अभी मेरे को 3 दिन ही हुआ फ्रूट का स्टार्ट करे, तो क्या अभी मेडिसिन बंद करूँ या थोड़ा रुक के बंद करूँ? बंद करना पड़ेगी आपको, अभी से स्टॉप कर दूं सर? इको स्प्रिंग गोल्ड वो हार्ट वाला मेडिसिन भी बंद कर दूं? बंद कर दो आप। अच्छा, ठीक है सर। और सर और टेलीग्राम पे आपका कौन सा क्या से है सर, मुझे भी नहीं पता। टेलीग्राम पे ग्रुप है एक, ईट फूड्स एंड हील करके, वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, क्योंकि मुझे भी वो सोप वगैरह का जो आपने बताया ना, वो मुझे भी नहीं पता आपने कब मतलब बताया। सोप यूज नहीं करना, टूथपेस्ट यूज नहीं करना, ऑयल यूज नहीं करना। तो सर
मेरा टीथ वगैरह कैसे साफ करना होगा? पानी से, फिंगर से बस? ओ अच्छा, मतलब उस पे पेस्ट कुछ नहीं लगाना, सिर्फ पानी से फिंगर से उसको जैसे ब्रश करते वैसे? हाँ, पानी और फिंगर यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अब किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी आरती जी का है। आरती जी बताइए, माइक ऑन कीजिए। माइक, दांत साफ करने के लिए हम लोग मलमल का कपड़ा रुमाल कुछ लेके ऐसे साफ कर सकते हैं? हमारी दादी लोग करती थी, मलमल का कपड़ा लेके भिजा के। ना ना, इतना दिमाग नहीं लगा। और एक बात पूछनी थी कि जैसे हम लोग तेल कहीं पे नहीं लगा रहे हैं, बट हम लोग दो ड्रॉप नाभि में डालते थे, तो बोलते थे साफ नाभि में दो ड्रॉप ऑयल डालते थे, कुछ तो आप कर ही रहे हो ना, कि 60 साल की उम्र में 30 साल के दिखने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो आदत हो गई थी कई चीजों में, तो नाभि में तेल डालते थे हमेशा, तो वो अभी नहीं कंटिन्यू किया एक महीना से, तो वो करना है कि नहीं? नहीं करना, नहीं करना। नहीं, वो भी नहीं। वो बहुत क्रिया कुंजल, सुबह जल पी के उल्टी करना, हफ्ता में एक दिन नेचुरोपैथी, बहुत कुछ किया। 60 साल ऐसे नहीं गवाए, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे। 29 अगस्त को बर्थडे है, 59 कंप्लीट हो जाएगा, 60 स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया है। अभी तो टाइम। ज्योति ज्योति अग्रवाल जी से पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, हेयर्स में शैम्पू लगा सकते हैं क्या? गर्म पानी से धो सकते हो, हॉट वाटर यूज कर सकते हो, शैम्पू की जरूरत नहीं है। और सर, सर खाने में सर क्यूकम्बर टमेटो ये ले सकते हैं? मीठे फल खाने, स्वीट फ्रूट्स। और सर एक और क्वेश्चन है, सर ये जो फ्रूट डाइट के संग हमें वर्कआउट भी करते रहना होगा? नहीं, आवश्यक नहीं है, हीलिंग के लिए वर्कआउट आवश्यक है। यदि हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हम ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी हमें चाहिए, तो वर्कआउट से केवल एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, वो करना आवश्यक नहीं। नफीसा जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वैसे तो मैं ठीक हूँ, फ्रूट्स भी काफी खाए, लेकिन सर जो रोज मोशन होना चाहिए ये जरूरी तो है ही है बॉडी के लिए, तो फिर इतना फ्रूट खाने के बाद भी 2 या 3 दिन के बाद ही क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन, क्यों इतना हो जाता है? अभी आप स्वस्थ नहीं हो। अच्छा, स्वस्थ व्यक्ति को सब चीजें होती है, और अस्वस्थ व्यक्ति को हीलिंग के टाइम पे अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग उसका एक्सपीरियंस रहता है, तो दिस इज पार्ट ऑफ हीलिंग। ओके। और सर जो पहले मैं जब कुक फूड खाती थी तो रात को कभी भी मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से ये इट्स बीन नाउ 23 डेज, तो मुझे रात को 2 बार तो जाना ही पड़ता है टॉयलेट में, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बहुत पानी दिन भर पीते हैं इसलिए पी लेते हैं अपन इस वजह से, और रात के टाइम तक भी पीते रहते हैं, सोने के पहले भी पीते रहते हैं। ओके ओके। और सर जैसे मैंने आपको बताया कल मुझे जाना है, तो कैन आई शैम्पू माय हेयर?
थोड़ा ही यूज करूंगी। नारियल पानी ट्राई करो। ओके, उससे फ्रेश नहीं लगेंगे सर एकदम बाल। नारियल पानी को कमजोर मत मानो किसी केमिकल के मुकाबले। अच्छा, इतना पावरफुल है सर। आंवला रीठा ये सब कर सकते हैं, आंवला रीठा सीताफल का पाउडर। जो खा भी नहीं सकते वो कैसे लगाएंगे? सर ये टेलीग्राम में किसी ने लिखा है कि they are taking आवलास also, so आवला खा सकते तो वो तो बहुत खट्टा होता है ना, वो कहाँ मीठा होता है? नहीं खट्टा नहीं होता, वो मीठा नहीं भी होता हो, यदि पका हुआ नहीं है तो हो सकता है मीठा नहीं हो, लेकिन खट्टा नहीं होता, उसका टेस्ट अलग होता है। सर आंवला के जूस से बाल धो सकते हैं, आंवला का जूस निकाल के उससे बाल। अरे आप पहले नारियल पानी से धो, उसके बाद साफ नहीं होंगे तब फिर किसी और चीज से धुलवाएंगे। पहले सबसे पहले तो गर्म पानी से धोइए, यदि वहां दिक्कत आए तो फिर नारियल का पानी, उसके बाद भी दिक्कत आए तो फिर और भी चीजें हमारे पास बहुत सारी। तो सर ये आंवला हम खा सकते हैं ना? आंवला कितना खा सकते हैं सर, कितना कंज्यूम कर सकते हैं? वो आंवला को तो पेट भर के तो नहीं खा सकते हम, जितना आपको खाना। ओके, और उसका ये जरूरी नहीं है कि सुबह में ही खाना है, रात को नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, पेट भर के खाना जब भी आंवला खाना। पेट भर के तो कैसे, बहुत खट्टा लगता है सर, तो फिर मत खाओ। तो एक आंवला खाएंगे तो चलेगा? तो एक आंवला खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। ओके, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नॉर्मल एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन कल शाम को मैंने एक घंटे का वॉक किया था सर, बिकॉज एनर्जी बहुत थी and I felt very nice. उसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ, फिर थोड़ी सुबह में थकावट हो गई थी, but as the day is passing, I'm feeling quite good. Thank you, sir. सुजाता जी, सुजाता जी अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा, अनम्यूट हुआ फिर से। ओके, नमस्ते सर जी। पहली बात यह है कि आपने अभी जो बोला, राजीव जी ने टाकी थी, नोट डाली थी, तो कुछ अलग चीजें करते हैं और सुन लेते थे, इसलिए वो म्यूट किया हुआ था और वीडियो भी स्टॉप था। दूसरी बात, मेरा पर्सनल जो ये क्वेश्चंस है वो पूछ सकती हूँ अभी? देखिए, क्वेश्चन पूछते समय थोड़ा सा आपको ये सोच के पूछना है कि आप पूछ क्या रहे हो, वो रेलिवेंट है या नहीं। हाँ, क्योंकि संगीता जी के बाद सेकंड नंबर पे जो इररेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ, वो आप ही के आते हैं। अच्छा, संगीता जी को हमने काफी कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है सर, एक भी रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ तो वो सारी कंडीशंस आप पे भी लागू हो। हाँ ठीक है सर। ओके, बताइए। हाँ, मैंने बाल, आप जो बोलते हैं पानी से सिर्फ धो लेना, तो बहुत सारे झड़ रहे हैं, यानी ज्यादा ही, ऐसा क्यों हो रहा है? बाल पहली बार झड़ रहे हैं आपके? नहीं नहीं, लेकिन कम झड़ते थे, अभी और ज्यादा हो रहे हैं। वो आप झड़ने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि बाल झड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो उगेंगे नहीं। अच्छा, जो बाल झड़ जाते हैं ना, जैसे हम लोगों के बाल बचपन से झड़ रहे हैं, तो वो सारे बाल ऐसा नहीं है कि वो उगे नहीं फिर दोबारा। हाँ, कुछ उगते भी हैं, कुछ झड़ते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं भी उगते,
हाँ नहीं, बीच में मेरे बहुत सारे बाल झड़ गए और फिर से नहीं आए, यानी लेकिन जो फल खाने के बाद जो ऐसा ही होगा जो झड़ भी जाएंगे वो उगेंगे, जैसे विनोद जी के जो है जो थे ही नहीं जहाँ पे सिर पे वहां भी उगाए काले घने बाल। अच्छा अच्छा, जो थे ही नहीं। ओके, तो ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हाँ ठीक है, पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। हाँ नहीं, मैंने सुना है उनका वो कि बाल आए है। बाल आए। हाँ। तो आपने सुना है बस उसको मान लो, लेकिन वहां तक आपको जाना भी पड़ेगा। जो विनोद जी जिस रास्ते पे चल के गए ना, जितनी दूर जा चुके हैं उतनी दूर अपने को चलना भी पड़ेगा। हाँ बराबर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर एक बार इंटरप्ट कर रही हूँ सर आपको, सर दो तीन जन को जो रिमूव किया था सर वो लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं उनसे, मतलब जो टेलीग्राम में बात हुआ था ऐड नहीं हो पाएंगे वो। तो सर उनको पहले ही बोला था ये बात कि एक बार ही मैं टेम्परेरी हटा रहा हूँ फिर परमानेंट हटा रहा हूँ। सर एक बार आप देखिए ना सर, वो लोग वो नहीं देख पाएंगे सुप्रीत जी, वो पॉसिबल नहीं है सर। वो हम बोलते वक्त हमने हटाने के पहले बोला था कि ये टेम्परेरी हटाया और ये परमानेंट हटाया, वो सुन रहे थे उस वक्त। गौरव जी मैं नहीं थी, गौरव जी मैं उस समय नहीं थी जब आपने बोला। आपको हटाया कहाँ अभी? गौरव जी आपने मुझे हटा दिया था मुझे। नहीं सर वो मैंने बहुत दो तीन जन को मैंने हटाया सर, बहुत बोलने के बावजूद भी, तो सर अभी वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं सर। नहीं, यहाँ पे कोई भी सेवा ऐसा नहीं है कि आप सुने नहीं फिर हम आपको हटाएं फिर आप बोलें दोबारा का कोई काम नहीं। पर गौरव जी मैं लेट जॉइन, आप तो ऐड हो ना संगीता जी, आप क्यों परेशान हो रही हो, आप तो ऐड हो, आप तो वीआईपी कस्टमर, आप तो बोलिए, आप अपना क्वेश्चन पूछ के आप तो प्रायोरिटी पे हो। You are priority का। गौरव जी मुझे ऐसा कभी करना मत, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, सच बोलती हूँ, मुझे मत निकालना, मेरी गलती मैं मानती हूँ, अगर नहीं, नहीं, नहीं हो तो मैं मान लूंगी, लेकिन मुझे हटाना मत। आप हाँ। अंदर हैं, आपको नहीं हटाया है। और मैंने लैपटॉप नहीं, मेरे लैपटॉप से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, और मुझे मोबाइल में ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे वो मोबाइल में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सब समझने के लिए, वो हम कुछ हेल्प नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, मैं लैपटॉप से ज्वाइन ही नहीं हूँ। वो हम लैपटॉप का ऐप में आप जाओ, उसमें स्विच का ऑप्शन आएगा, स्विच क्लिक करो आप स्विच हो जाओगे उसमें, लैपटॉप का ऐप उसमें स्विच ऑप्शन। हाँ मेरे घर में काम चलते रहता है, कोई बीच में आके बात करता है, इंटरप्ट करता है, तो मैं कैसे करूँ उस वक्त, वो बताइए। कैमरा ऑन करना है, माइक ऑफ करना है, ठीक है कैमरा ऑन रख के मैं अगर उठ के चली जाऊं थोड़ी देर तो भी चलेगा ना। माइक तो ऑफ ही रखना है, कैमरा ऑन करना है, यदि आपको ऐसी किसी स्थिति में है कि कैमरा ऑन नहीं रख सकते तो लीव कर दीजिए मीटिंग। ठीक है आप एक बार सर टेलीग्राम देख लीजिए ना सर, दो तीन जन है जो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज एक बार आप सुप्रीति जी नहीं है पॉसिबल, उनको म्यूट कर दीजिए उन लोगों को। सर वो रिमूव हो चुके हैं सर, वो अब दोबारा ऐड नहीं हो पा रहे हैं सर, टेलीग्राम से भी रिमूव कर दीजिए सर। कैसे सर, वो लोग तो सर एक बार गलती तो हो ही सकता है सर, तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना, हमने उनको बोला था हम परमानेंट रिमूव कर रहे हैं, हम कैसे की मीटिंग में नहीं हो पाएंगे, बिकॉज एक बार रिमूव करने के बाद ना आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगे सुकृति, कल से दे कैन ज्वाइन। यस ठीक है सर। Sir, a participant like me has to go after every 1 hour or 1 hour 15 or 20 minutes to washroom with a prostate problem. वो जाना पड़ता है सर। जा सकते हो आप, कोई जाने को कोई मना नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता है विनोद जी, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं और कैमरा ऑन नहीं करते। I know. तो हम यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। We are not paid employee. हम यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसको रिक्वेस्ट करना है वो हमें रिक्वेस्ट करे। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन कभी। हाँ तो आप ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
थैंक यू सर. अगर कभी कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया और बीच में से अगर मीटिंग को लीव करना पड़ा तो वो कर सकते हैं, देन द नेक्स्ट डे यू कैन जॉइन. लीव कर लीव कर सकते हो ना, लीव कीजिए, कोई दिक्कत. बट इट वोंट बी अ परमानेंट लीव सर, प्लीज, इट्स नॉट अ परमानेंट लीव. नहीं, मेन जो मोटो है वो ये है कि यदि आप इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि हम आपकी शक्ल नहीं देख सकते हैं, तो यू फाइंड सम बेटर प्लेस, क्योंकि ये प्लेस उतनी अच्छी नहीं है जहां पे आप कैमरा ऑन कर सकते हो, तो यू फाइंड बेटर प्लेस. सर अगर कैमरा ऑन रहे और हम दो चार मिनट इधर उधर घूम आए तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी कोई काम हो तो, और कैमरा चलता रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन रहना चाहिए. देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि जो आते हैं ठीक होते हैं चले जाते हैं, आते हैं खराब होते हैं चले जाते हैं, वी डोंट नो देम. सीधे उनके पिताजी का, माताजी का या पति का फोन आता है कि भैया ये आए थे खराब हुए और चले गए, क्या करना है. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको प्रॉपर करना है सब चीजें, अननोन लोगों को हैंडल नहीं करना. बेसिकली लोगों का ही फायदा है कैमरा ऑन करने में, ताकि आप उनको समझ सको, देख सको. राइट. अभी ये लोग जो टेलीग्राम पे उधम कर रहे हैं कि हमें अंदर लेना है मीटिंग में, भाई क्यों कर रहे हैं? जब उन्होंने कैमरा ऑन करने का बोला तब उन्होंने क्यों नहीं ऑन किया? अभी वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना, हम नहीं कर सकते. सर, टेलीग्राम पे आई एम नॉट एक्टिव, सो उस वजह से तो आई डोंट हैव टू लीव ना, मुझे निकाला तो नहीं जाएगा ना. आई एम नॉट एक्टिव ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम पे जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे हुए हैं उनको हटाया जाएगा. तो मेरा भी नहीं भरा हुआ सर, और किस तरह भरना है वो मुझे नहीं आता. पिंड मैसेज में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो भर के मुझे भेजना. ओके, एक दो दिन में सर मैं भेज दूंगी, लेकिन वहां से भी निकाली तो नहीं जाऊंगी ना. सर मैंने भी फॉर्म नहीं भरा है. हाँ, जिसने नहीं भरा वो भर सकता है. फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ग्रुप के अंदर ही, जो प्रिंट मैसेज है उसके अंदर आपको मिल जाए. सर मेरा फॉर्म मिल गया है आपको भरा हुआ? जब भी हम पे किसी की कोई क्वेश्चन आती है ना, तब हम देखते हैं कि उसका फॉर्म भरा या नहीं भरा. यदि उसका नहीं भरा हुआ होता है ना, तब वहां पे यदि वो शांति से टेलीग्राम ग्रुप में कोई बैठा हुआ है तो हम भी शांति से बैठे रहते हैं. जैसे ही वो कन्वर्जन करता है या कुछ क्वेश्चन पूछता है, तब हम चेक करते हैं कि उसका क्या स्टेटस है. तो सर वो फॉर्म आपको प्राइवेट में भेजना है? हाँ, वो हमको डायरेक्ट मैसेज करना. ओके सर. सर मुझे भी ध्यान नहीं, मैंने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा. सर भरा हुआ है, आप चेक करके बताएंगे सर प्लीज? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी. अच्छा चलो, मैं देखती हूँ, दोबारा भर दूंगी. अच्छा सर जी, दूसरा एक प्रश्न क्वेश्चन है, जरा पूछ लो. हाँ पूछिए आप. हाँ, नारियल पानी जब पीती हूँ तो मीठा नहीं होता है कभी कभी, और दूसरी बात आज मैंने सुबह से नारियल पानी से ही स्टार्ट किया, यानी पहले पानी पिया था नॉर्मल, उसके बाद नारियल पानी पिया. तो मैं जो डकार से बोलती हूँ, तो डकार यानी क्या होता है, मेरे को गैसेस बोलना है वैसे, कि जैसे पास होते हैं वैसे ऊपर से भी गैसेस ही आते हैं मेरे को, वैसे बहुत हुए थे और आज सुबह से बहुत तकलीफ, यानी पपाया बाद में खाई तो भी कुछ ऐसा अच्छा फीलिंग नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी ही खा ली, बाद में छोड़ दी और पानी पी लिया, तो बहुत ऐसा अनईजी लग रहा था. तो पानी, नारियल पानी नहीं सूट करता क्या मेरे को? तो आप बंद कर दीजिए नारियल पानी, कई लोगों को सूट नहीं करता. अच्छा, नहीं मैं रोज नहीं पीती, कभी कभार पीती हूँ, तो आज पिया सुबह सुबह, तो
नहीं, कई लोगों को मैंने देखा है नारियल पानी सूट करता ही नहीं है। अच्छा, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है इफ यू आर वन ऑफ देम तो वो आप पीना बंद कर दीजिए, केवल फ्रूट। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली नारियल पानी अलाउ हमने किया हुआ है लेकिन वो नेचुरल नहीं है। पेड़ कभी नहीं चाहता नारियल, नारियल पानी निकालना इजी नहीं होता ना अपने लिए। बराबर, वो इजी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें नहीं खाना। मैंने भी बंद किया था, एवर सिंस आई लेफ्ट इट तब से आई एम फीलिंग लाइटर बेटर। टेम्पररी बंद किया, पहले हैवी फील नहीं करता था पर अब फील करने लगा था। कई लोगों का मैंने देखा नारियल पानी सूट नहीं होता, और नारियल पानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है। नहीं सूट हो रहा है तो मत पीजिए। नारियल क्या अपने आप नहीं गिरता है क्या? हाँ जी, गिरता है कभी कभी क्या पता? I don't know. मैंने तो नारियल का पेड़ हमारे यहाँ तो है ही नहीं। नारियल गिरता है लेकिन कभी कभार वो उतराना ही पड़ता है, यानी नीचे लोग निकाल के लाते हैं ज्यादा से। बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है ना नारियल निकालने के लिए, काफी ऊंचे होते हैं नारियल के पेड़। कल्याण जी जा रहे, दो तीन फोन बज रहे हैं, आप मीटिंग ले रहे हैं। हाय एवरीवन। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हाय मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। कल्याण जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कर्नल शर्मा, हाउ आर यू डूइंग सर? हेलो सर। गुड आफ्टरनून कल्याण जी। उत्कर्ष जी, गुड आफ्टरनून। यस सर जी, क्या हाल है? फ्रेश दिख रहे हैं। बट बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। गौरव जी, मुझे लैपटॉप से मैं ट्राई करूंगी तो थोड़ा दो मिनट के लिए शायद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ। कर लो मैम, आप वो इसमें ऐप में आपको मिलेगा स्विच का ऑप्शन मिलेगा, एक दिखेगा रेड कलर का ऑप्शन रहता है स्विच। हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ तो थोड़े मिनट के लिए मैं शायद ऑफ भी हो जाऊंगी। हाँ, गुड आफ्टरनून कलीन जी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे? कोई स्पेसिफिक टॉपिक या प्रश्न? नहीं, अभी फ्रूट्स मिलना जरा तकलीफन सा हो रहा है क्योंकि सब मीठे फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। यानी आम हो तो आम एक दो दिन में बहुत सारे खराब हो जा रहे हैं। आप जाते हो मैम मार्केट? आप जाते हो? हाँ। या किसी से मंगाते हो? नहीं नहीं, मैं खुद चाहती हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी चले जाओ सुबह ना, थोड़ा जल्दी जाओ और ऐसा मार्केट में जाइए जहाँ पर बहुत फ्रूट मार्केट ही हो, मिल जाएंगे ऑप्शन तो मिल जाएंगे। अभी ये ट्रांजिशन जब चलेगा, मैंगो जाएगा ऑरेंज आएगा, इसके बीच में थोड़ा सा कमी पड़ती है। अच्छा, बट अच्छा। हाँ। रहते हैं मैम? मैं पूना में रहती हूँ। नहीं मिलता है लेकिन आम इतने जल्दी खराब हो जाते हैं, दो दिन में ही आम खराब हो रहे हैं। और वो अभी एप्पल और केले में आ जाओ मैम, मेनली ना केला को ज्यादा सूट नहीं करता सर जी, क्योंकि केला पका हुआ ले लो आप। केला सूट नहीं करने का कारण है जो कम पका वाला खाते हैं ना वो सूट नहीं करता है, पका वाला जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। हाँ। वो ले लो आप, थोड़ा घर पे रख के ना दो तीन दिन बाद खाओ, थोड़ा काला पड़ जाए, पिलपिला हो जाए। वैसे ही करती हूँ, इवन पेड़ भी मैं वैसे ही खाती हूँ, नहीं तो वो मीठा नहीं रहता, वो उसको कुछ टेस्ट नहीं रहती पेड़ भी। बाबू गोशा। हाँ। और ये भी आलू बुखार भी जो आप बोलते हैं वो रेड हो तो वो खाने से थ्रोट में तकलीफ होने लगती है, वो भी थोड़ा काला हो जाने के बाद ही वो खा सकते हैं ना जरा। और जो खाते हुए जो तकलीफ दे रही है वो मत खाइए। हाँ, वो फेंक जाने, फेंक देना ही बेटर रहेगा। वो लगता है कभी कभार जब पैसे देके खरीदे हैं फेंकना क्यों है, खा लेते हैं, उस माइंडसेट से थोड़ा निकलना पड़ेगा क्योंकि टॉक्सिन को अंदर डालने से अच्छा है डस्टबिन में जाए।
बराबर कल्याण सर, मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पर सीजनल टाइप तो कुछ है ही नहीं, हर टाइप के फ्रूट्स 20 लाइक पूरे साल मिलते हैं, तरबूज बोले या मस्क मेलन बोले, एप्पल्स बोले, ऑरेंजेस, मैंगोस, आई मीन डिफरेंट कंट्रीज से सब आते रहते हैं, तो व्हाट शुड आई कंज्यूम देन? For me, what is whatever seasonal? Is tasty in these kind of everything cases, is tasty over here. So go for it. Go for it. Don't worry much. क्योंकि आपके पास कोई option ही नहीं है ना और नहीं हाँ क्योंकि mangoes अभी India Pakistan के जैसे ही बंद हो जाएंगे we'll be start getting it from Thailand or we'll be getting from Yemen and all the foods are very sweet. So मेरे लिए तो कुछ seasonal यहाँ पर है ही नहीं. जो कंट्री का जैसा मीठा फ्रूट आता है आई कैन कंज्यूम दैट बिकॉज डेट्स के अलावा तो यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं है. या दोस आर बेटर देन द कुक्ड फूड एंड सॉल्ट. दोस आर बेटर देन द कुक्ड फूड एंड सॉल्ट. आइडियली यू कम बैक टू इंडिया. डेफिनेटली इट इज बेटर देन दिस थिंग. आइडियली शिफ्ट बैक टू इंडिया. या या आई कैन नॉट. दिस इज माय होम नाउ. इट्स बीन 40 इयर्स इन दिस कंट्री सो दिस इज माय होम. या या So, if you answer one question here also, आपने अभी अभी बोला है consume bananas and apples are from the season. They come during winters, no? Yeah. So apple is starting, ma'am. Like it's it started appearing in Kashmir and all these areas. So we need to hunt for the ones which are coming from there. Otherwise, they are local, not the Washington ones. Not definitely the Washington ones. वॉशिंगटन एप्पल नहीं चाहिए. हाँ जो शिमला शिमला कश्मीर अभी वही. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. चेतना जी के पास ऑप्शन हो गए हैं वो. हाँ ही इज ऑलरेडी टोल्ड यू नफीसा जी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है. आपके पास जो मिलता है आप खा सकते हो. हाँ जस्ट टेस्ट एक बार देख लेना. जो विदाउट मॉडिफिकेशन वो टेस्टी होना चाहिए. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर. कुछ लोग सोचते हैं कि 6-7 टाइप के फ्रूट्स ही खाने हैं. But I have achieved the desired results even with only one fruit, seasonal fruit, that is mango. Yes, it's possible. Not about खाने चाहिए only, खाने सबकी अपनी अपनी ये भी होती है sir, because sir, एक ही फ्रूट पे बोर हो जाता है ना, so that is why उसके साथ वो different nutrients भी मिलते हैं. मेरे पास जो direct message आते हैं, उसमें से कम ऐसे 12-13 questions ऐसे आते हैं लोगों के. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो पार्टिसिपेंट एज ऑफ नाउ जो हैं उनका कोई ऐसा कोई क्वेरी नहीं था. वैसे मैं बता रहा हूँ लाइक माय डॉटर अचीव द डिजायर्ड. दैट्स वेरी मच पॉसिबल बट लेट्स नॉट बी ऑब्सेसिव अबाउट इट. या लेट्स नॉट बी ऑब्सेसिव अबाउट इट. दैट्स वेरी मच पॉसिबल. देयर आर कम्युनिटीज दोज हु स्टे ऑन बनानास, दोज हु स्टे इवन ऑन कोकोनट्स. कोकोनट्स का कम्युनिटीज भी है तो बट दे आर नॉट इन देयर बेस्ट हेल्थ. बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ में तो नहीं है. कॉम्प्रोमाइज है. सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ना जो अलग अलग फल से मिलते हैं हमें. यस बनाना से सिर्फ एक ही चीज मिलेगी. यस यस ये द रेस्ट ऑफ द पीपल दोज हु हैव नॉट स्विच्ड ऑन देयर वीडियोस वी रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. मे बी परहैप्स वन पर्सन एट अ टाइम कैन स्पीक यू नो साइमल्टेनियसली मेनी पीपल आर स्पीकिंग सो दैट जाता जी आपका म्यूट कर देंगे. थोड़ा सा ये नॉइज आ रहा कहीं से. कल्याण जी मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? मुझे बता रहा है योर वीडियो इज टॉप. नहीं आपका वीडियो दिख रहा है. दिख रहा है पर अच्छा लेकिन मेरे जो मैं उसमें लैपटॉप में ऑन नहीं कर पा रही हूँ कल्याण जी. और इसमें ना नहीं कर पा रही. मुझे वो बोल रहे कि कल हो जाएगा. ठीक कल डायरेक्टली लैपटॉप में आ जाइए. कल डायरेक्टली लैपटॉप ये सेशन खत्म होगा तो वो हट जाएगा आपके पास. अच्छा कल्याण जी मेरा एक क्वेश्चन करती हूँ और फिर मैं लीव करूंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है आज थोड़ा. हाँ जी मैम तो मैं कर लूँ. बस एक छोटा सा क्वेश्चन है. जो मेरी नीस है वो जो डाइट फॉलो कर रही है उसको बहुत मुंह में इतने छाले आ गए बहुत ज्यादा. वो कुछ भी खा नहीं पा रही है. चार पांच तो पानी पिए. दैट्स एन इनफ इंडिकेशन जो कुछ नहीं खाना है. मुंह में छाले इज अ क्लियर कट. वो बोलती भूख लगी है. एंट्री ब्लॉक है ना मैम. क्या करोगे? एंट्री खाना. हाँ नहीं खाना है. वो अपने आप ठीक होगा. तो भूख में थोड़ी देर भूख में मर नहीं जाएगा कोई भी. हाँ वो बोल रही भूख लगी तो मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या. नहीं नहीं जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट होता है किसी का बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है तो हो सकता है उसको भूख लगे. बट वी रिकमेंड दैट गो ऑन फास्ट. वो बॉडी ली इंडिकेशन है ना. बॉडी में बहुत एनर्जी वहां पर इमीडिएटली जरूरत है हीलिंग के लिए. तो डाइजेस्टिव रेस्ट तब रिकमेंडेड है. हाँ तो गौरव जी मुझे प्लीज कल लैपटॉप में चालू कर दीजिएगा. मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगी. कल फिर ज्वाइन कर लो. हाँ जी क्योंकि है ना थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है कैमरा से. मुझे थोड़ा वो
यस 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 So can I say one point on Chetna, what she was saying? Ma'am, please. Chetna वैसा भी कर सकती because उधर तो सारे fruits मिलते हैं but season के हिसाब से अगर आप observe करेंगे तो कोई कोई fruits ऐसे होंगे जो आपको ज्यादा like attract करेंगे खाने के लिए. Perhaps talking about Hakim ma'am, Nafisa ma'am. Yeah, Nafisa ji. Yeah, yeah. Sorry, the one who is in Dubai. I think. Yeah. So weather के हिसाब से आपको आप अगर observe करेंगे तो शायद कोई fruits होंगे जो आपको नहीं उतना मन होगा खाने का और कोई होंगे जो आपको ज्यादा जैसे dry होता है. I don't know what it is in Dubai right now, but if it is dry, then people do feel like having watery and juicy sweet. Yeah, fruits. Getting a watermelon. And if but, it watermelons are very sweet, no doubt. Summers chal rahe hain. अच्छे मिल रहे हैं. मेरा ये कहना था वाटरमेलन अभी गर्मी के साल में हमें मिलते हैं. आपको जो ज्यादा भाता है वो खाते नहीं पूरे साल में वाटरमेलन मिलेंगे जैसे यहाँ का बंद हो जाए या लोकल आगे पीछे का then some other place will start. India से भी आना start हो जाएगा जब India की season होएगी. So it is not that के we are not getting any fruits over here. आप ये अलग देशों की जब season रहती है तो we get it over here. Yeah, what I'm saying, depending on the season, you will feel like having particular fruits more than जो चाहे मिलता पूरे साल होगा, but आपको summer में ही शायद ज़्यादा खाने का मन होगा watermelon. So observe that also probably. Bodily observation. Yes, yes, makes sense. Because cherries अभी available नहीं है कहीं पर भी, but खाने का भी मन कर रहा है उतनी मीठी आ रही हैं. So yeah, that observation is, I think, so best thing I can do. Yes. What yes. my body wants. Yeah. Initially, you won't be able to observe that way because the body is already, because of the conventional lifestyle, the body is desensitized. So that sensitization, when it comes back, then you will be attracted towards the fruit that is needed for the body. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Bipin ji, kuch question hai aapka? सर वीडियो ऑन कर लीजिए. नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते गुरुजी. मेरे पांचवा दिन है मेरा आज डाइट का. मैं फार बेटर लग रहा है मेरे को. मैं मेरे का आज का बीपी है 129 106 72 101 है. तो कैसा रहते है वो बीपी? 106 और 72 बोल रहे हैं ना? हाँ 72 नीचे का. हाँ तो ये ठीक है. लोअर साइड में ही है तो सर मतलब नथिंग टू वरी एज सच. आप हाई बीपी का दवाई ले रहे थे? नहीं अभी तो मैं बंद कर दिया है 4-5 दिन से. हाँ हाँ बिना दवाई के आपके लो बीपी आ रहे हैं. बेकार का दवाई ले रहे थे. दवाई लेते थे तो मेरा बीपी 140 ऐसा आता रहता था ऊपर का. हाँ अभी दवाई 3-4 दिन से बंद कर दिया है. बस बस तो ऐसा फर्क लग. मजे करो सर, मजे करो बस. और क्या टेंशन क्या है? बराबर है. मेरे को पेन बहुत होता रहता है शरीर पूरा. मेरे पहले से इतना सालों से शिकायत हुई है कि पेन होने का कारण क्या? थायराइड डायबिटीज किसकी वजह से हो रहा है वो? नहीं पेन का तो मतलब ये है जो बॉडी कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है. एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पेन इज अगर आपका बाहर से एक्सीडेंट के वजह से पेन हो. बॉडी में कुछ ठीक अपने आप होने का लाइक ये हो रहा है लाइक Can we term it that way? हाँ वही कह रहे थे. या विपिन जी क्या बोल रहे थे? हाँ मेरे को बहुत पेन बहुत होता है सवेरे उठने के टाइम पे. दिन भर ऐसा ही हड्डी में ऐसा पेन लगता है. हाँ अभी शुरुआती दौर में आपको पेन होगा क्योंकि दवाई वगैरह बंद कर दिए हो तो. हाँ ये मेरे को 15-20 साल से प्रॉब्लम है उसका पेन का. बाकी तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहते. डेवलप का रहता है मेरे को डिहाइड्रेशन. तो ये जो आप शिफ्ट लाए हो ये बहुत सिंपल शिफ्ट है जिसका मोटा मोटा सा ये है अगर बहुत शरीर में तकलीफ है तो आप सिर्फ पानी में चले जाओ. फल भी बंद कर दो उस दिन के लिए.
सिर्फ अच्छा। पानी सिप करके पीते रहो बहुत, अगर ज्यादा तकलीफ है, अगर आपको लग रहा है तकलीफ तो ये क्रॉनिक है, पहले भी था उतना ही प्रॉब्लम है, पिछले सालों से ही है। हाँ, तो अभी फल में ही कंटिन्यू करो, ऐसा करते करते जब आपका अंदरूनी जो ऊर्जा जो है ना, शक्ति जो है, एनर्जी जब बढ़ेगी, जब आपका और कंजर्वेशन बढ़ेगा, तो वो बॉडी खुद ब खुद पेन भी बढ़ा सकती है और फीवर भी ला सकती है, उस टाइम में आपको फिर पानी में चले जाना है। अच्छा अच्छा, तो उसमें बॉडी विल रिकवर, विल रिवर्स द प्रॉब्लम, जो टॉक्सिन जो जमा पड़ा है वो टॉक्सिन निकल आएगा, आपका पेशाब से निकलेगा, पसीने से निकलेगा और सांस से। हाँ बराबर है, मेरे को एक ये है कि मैं भूल जाता हूँ, फॉरगेट इट, भूल जाते हैं, भूल जाता है, ऐसा किधर रख दिया है, तो फिर बाद में दो पांच मिनट बाद में याद आता है कि इधर रख दिए ले, तो क्या डायबिटीज की वजह से हो सकता है क्या ये ब्लड सर्कुलेशन? नहीं, वो तो देखिए हमारा कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड हो ही जाता है जब अंदर में टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है ना, जो टॉक्सिन निकलता नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन का ही है, तो उससे हमारा जो बाकी जो एग्जीक्यूटिंग कैपेबिलिटीज है, जो आप काम करते हो, वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होते रहता है, जैसे बुढ़ापे होने से भी होता है, बीमार होने से भी वही होता है, तो मेमोरी भी एक एग्जीक्यूटिंग कैपेबिलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, बट वो रिवर्स हो जाएगा आपका, वो भी एज अ रिफ्लेक्शन वो रिवर्स हो जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, दूसरा तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। हाँ, गौरव सर भी आ गए हैं, आपको अगर स्पेसिफिकली गौरव सर से कुछ पूछना। विपिन जी, जो आप सोच रहे हो ना कि सारी समस्याओं की लिस्ट बना लूं मैं, और वो डिस्कस कर लूं, कुछ रह नहीं जाए, वो सब ठीक हो जाए, तो वो लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, वो तो सब अपने आप ही ठीक होने वाली है आपकी। अच्छा, नहीं, वो तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि अपने आप ही ये तो आ जाएगा, कुछ सवाल ही नहीं। केवल लिस्ट ये बनाओ कि अपने को फल खाने हैं और फल खरीद खरीद के ला के रखो, बराबर है, खाओ, बाकी ये मत सोचो कि ये सो, और ये एक लिस्ट बनाते जाओ कि आज क्या ठीक हुआ। नहीं, मेरे साथ बेहतर है, मेरे को यहाँ पे आके वो बताया करो आपने कि आज ये ठीक हुआ है। नहीं, मेरे को सब तबीयत अच्छी है मेरी, फार बेटर है, ओनली मेरे को पेन का प्रॉब्लम है, शरीर दर्द होता है, तबीयत मेरी फार बेटर होती जा रही है, पेट का भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी कम होता जा रहा है, अच्छा लगता है, वो सॉफ्ट लगता है, तो बस बढ़िया है, होती जा रही है, होती जाएगी। अच्छा अच्छा, रात का बीपी मेरा अच्छा आएगा है, मेरा बीपी 106 72 101 है। बिना दवाई के? हाँ, बिना दवाई के, पहले मेरा बीपी डायबिटीज ये रहता था, दवाई 141 143 आता था, तब दवाई खाते थे आप? हाँ, अभी नहीं खा रहा हूँ, सब चीजें अपने आप ठीक हो रही है। अच्छा, ना नॉर्मली बीपी कितना मांगता है? 60 और 100 नॉर्मल होता है। 60 ऊपर का 60 ना, नीचे का 100? नीचे का 60, ऊपर का। अच्छा 100, अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है तबीयत, थैंक यू। सुजाता जी, आपका हो गया? चेतना जी, आप अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, हुआ मेरा, बाकी कुछ नहीं अभी पूछना है, हुआ है, हैंड रेज रह गया है, निकालती हूँ। यस सर, माय क्वेश्चंस आर पेंडिंग सर। मैंने आपको अपना आई रिपोर्ट भेजा है सर टेलीग्राम पे, नंबर वन। नंबर टू, आप जो खट्टे फ्रूट की बात कर रहे थे ना, जैसे हम लोगों को हमेशा आप बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, सो इट इज ओनली वाइल वी आर ऑन फ्रूट जर्नी खट्टा अवॉइड करना चाहिए, कि जो लोग जो कुक फूड डाइट पे भी हम लोग होते हैं कभी जब अगर वापस जाते हैं, इवन देन वी हैव टू अवॉइड खट्टा। वो खट्टा कभी भी नहीं खाना चाहिए फल हमको, और जब हम कुक्ड फूड खा रहे हैं तो फिर सभी काम गलत कर रहे हैं।
हाँ वो तो सही बात है सर। अब जब जो आदमी सभी काम गलत कर रहा है वो एक चीज सही उसके लिए मैटर नहीं करता। नहीं बट वही लगा कि शायद दांतों के लिए स्पेसिफिकली कुछ ऐसा इसका रोल होता है क्या खट्टे का सर? दांतों को डैमेज तो करते ही खट्टा। खट्टा नॉट ओनली द खट्टा फ्रूट एनीथिंग खट्टा क्या? एंड सर अभी जैसे विनोद सर बोल रहे थे मोनो फ्रूट के लिए जैसे कि एक ही फ्रूट को खा के पूरा दिन ऑफ कोर्स एंड मेनी मेनी डेज उसी एक फ्रूट पे चला जा सकता है। एज फार एज आई रिमेम्बर किसी एक ने क्वेश्चन किया था आपसे कि वो पूरा दिन अगर मैंगो खाएं तो आपने बोला था कि इट्स बेटर टू हैव सम वैरायटी। तो आपका क्या टेक है उसके इसके ऊपर सर? इन केस यू डोंट हैव अ चॉइस मेरा तो यही है कि हमें मिक्स करके ही खाना चाहिए। कई बार हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं ना तो वो इवेंचुअली ज्यादा फेल होने की स्थिति में भी आ जाता है। जब हमारा सारे फ्रूट्स खा के रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर हम एक ही फ्रूट क्यों खाएं? ओके सर। एंड सर हाँ एक चीज अभी दो तीन दिन से मैं कर रही हूँ सर विच आई यूज टू डू व्हाइल आई वाज ऑन कुक फूड डाइट आल्सो। तो मोस्टली मैं नॉट एवरी डे बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं 14 टू 15 आवर्स का फास्टिंग करती थी इवनिंग ऑनवर्ड्स टिल मॉर्निंग। तो अभी कुछ दिन से कर रही हूँ तो इज दैट ओके अभी राइट नाउ अभी कर सकती हूँ वैसा? जस्ट नीडेड योर गाइडेंस अबाउट दिस। फास्टिंग मत करो मीन्स शाम को जैसे 6:30 या मैक्स 7 बजे तक खा लिया फिर दूसरे दिन 8 या 9 बजे फ्रूट्स खाने शुरू किए या अपना कोकोनट वाटर से शुरू किया वो नहीं करूं क्या? फास्टिंग तभी करना चाहिए जब बॉडी बोले और तब बिल्कुल करना चाहिए पक्के से। ओके ऐसे खाती रहूं उस समय बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए अच्छे से। हाँ तो उस समय भले कितना भी कोई बोले कि आप खा लो नहीं भूख के हिसाब से तो फिर ये होता है सर एक कंडीशनिंग भी हो जाती है अगर मैंने बंद कर दिया एक दो दिन तो शायद परेशान करता है फिर उसके बाद इट गेट्स यूज्ड टू इट तब भूख लगनी भी बंद हो जाती है। दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। और मैंने आपको जो आईज रिपोर्ट भेजे सर आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या अभी या व्हेनेवर इट इज ओके फॉर यू? स्फेरिकल आया है आपका और सिलिंड्रिकल भी है। हाँ सिलिंड्रिकल भी थोड़ा है सर। एज रिलेटेड है ये जो भी है। तो इसे इसको जैसे जैसे मैंने बताया सर ये चश्मा भी मैं पुराना पहन रही हूँ दिस इज अ रीडिंग ग्लास। अब मैं ये रीडिंग डिस्टेंस पे अगर मैंने फोन भी पकड़ा हुआ है या मैं कोई भी मटेरियल लेके रीड करती हूँ तो मुझे ब्लर थोड़ा दिखता है उतना क्लियर नहीं है। बट उसको ही फिर मैंने और जैसे अबाउट अ फुट और दूर कर दिया तो इट बिकम्स क्लियर मुझे एकदम क्लियर दिखता है फिर। सो व्हाट डज दिस मीन ये मतलब मेरा डिस्टेंस विजन परफेक्ट है क्या अभी या आई डोंट नीड पास का नहीं दिखता ना आपको? पास में तो थोड़ा इसी चश्मे से जैसे ये पुराना है इसकी पावर से दैट मींस मेरा तो बड़ा है पावर पहले से। तो अभी क्या करूं सर फिर जो उसमें +2.25 दिखा रहा है मेरा पास का आपकी जो रिपोर्ट है ये लेटेस्ट है? जी लेटेस्ट है जनवरी की है सर। अभी एक बार और करा सकती हूं नो प्रॉब्लम सर? तो लेटेस्ट से थोड़ा सा कम पहनने सिर्फ रीडिंग का ना फिर डिस्टेंस विजन का नहीं रखूंगी जैसे टीवी लगा हुआ है जैसे 10-11 फुट की दूरी पर दैट इज ऑल्सो वेरी बिग टीवी 45 है आई बिलीव। तो उसमें जैसे इतनी बड़ी बड़ी स्क्रोल होती है वो धुंधली दिखती है मुझे मैं पढ़ लेती हूँ और थोड़ा स्क्विंट करके देखूं तो फिर थोड़ा ब्लैक बेटर लगने लगता है बट द विजन इज नॉट वेरी शार्प एंड क्लियर। ठीक है लेकिन अपन यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते आपका ये जो भी प्रॉब्लम है ये एज से रिलेटेड है
इसमें अपन चश्मे को लेके कुछ नहीं कर सकते हैं, चश्मा आप कम से कम यूज कीजिए और फ्रूट आप खाते रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा बेटर हो जाए। ओके, वैसे आई कैन कॉम्प्रोमाइज, टीवी देखने में इतना दूर से थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज यू नो कि वो ठीक है उतना चला सकती हूँ और चला भी रही हूँ काफी दिन से वैसे, तो दैट इज फाइन। आपका जो टिपिकल मायोपिया वाला जो केस होता है ना वो केस नहीं है जी, दैट आई नो, या उसमें हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। ओके, तो टाइम बीइंग बस जो वो प्लस का पावर है उसको थोड़ा सा कम करके मैं पहनना शुरू करूं फॉर द टाइम बीइंग, है ना? हाँ, जितना कम से कम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुप्रीति जी बताइए। सर आज सर मैं अपना प्रॉब्लम लेके नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे मामा हैं जो थोड़ा बात करना चाहते हैं सर, क्या आज बात कर सकते हैं सर एक बार? हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर एक्चुअली मैं मेरी वाइफ के लिए खास आया हूँ, मेरी वाइफ के प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करना था आपसे सर। तो एक्चुअली मेरी वाइफ सर करीबन 17 दिन पहले सर उनको कोविड हुआ था, और वो कोविड बहुत माइल्ड था, और वो ऐसे माइल्ड मतलब कि एक दिन बुखार था या दो दिन बुखार था, लेकिन खाने पीने का रुचि तब भी कम हो गया था। तो फिर जब कोविड लगभग पूरा हो गया था तो हम लोगों को कहीं बाहर जाना था, तो हम लोग ट्रैवल करके गाड़ी से बाहर गए थे, और करीबन 300-350 किलोमीटर का ट्रैवलिंग था हमने किया था। तो वहाँ जाकर हम लोग वहाँ 2-3 दिन रहे, तो फिर उनको फिर फीवर आया, बहुत जोर फीवर आया, और फिर हम लोग वहाँ से वापस बाई कार वापस लौट के आ गए। लौट के आए तो सर उनको उनके टेस्ट कुछ वगैरह करवाए तो उनको डेंगू आया सर। तो उनको जब डेंगू आया तो सर पहले कुछ दिन तो काफी बुखार रहा, लेकिन वो कुछ पायरीजेसिक ऐसे टैबलेट्स कुछ से बुखार कमाने के जो टैबलेट्स वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए थे, तो टैबलेट्स खा के हम लोग बुखार कमाते थे और फिर बुखार चढ़ता था सर, 3-3.5 ऐसे बुखार लगभग रहता था। ऐसे 4-5 दिन होने के बाद सर फिर उनके उनका प्लेटलेट लेवल गिरने लगा, तो अचानक एक दिन ड्रास्टिक प्लेटलेट फॉल हुआ तो डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइजेशन का बोला, तो हमने उनको हॉस्पिटलाइज किया सर। ये बात 3-4 दिन पहले का है, तो हमने उनको 3 दिन पहले हमने उनको हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन वहाँ पर मतलब बहुत उसके बाद फॉल नहीं हुआ, उनको सलाइन ये किया गया, IV-5 दिया गया, और उसके बाद सर वो काफ़ी दिन तक 3 दिन तक उनको डेंगू वगैरह नेगेटिव हो गया, बुखार भी चला गया था, डॉक्टर भी सोच रहे थे कि शायद उनको अब रिलीज कर सकते हैं सर, लेकिन फिर कल से अचानक फिर उनको बुखार शुरू हो गया, फिर उनको एक बुखार आने लगा। तो अब फिर काफ़ी सारे टेस्ट हुए सर, बहुत सारे टेस्ट के बाद कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन का डाउट डॉक्टर ने किया कि कोई लगता है कि डेंगू के बाद कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उनको हुआ है, क्योंकि बोल रहे थे डॉक्टर कि 2 और 7 दिन के बाद 7वां दिन के बाद डेंगू का और कोई फीवर आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी टेस्ट किया, लेकिन सब टेस्ट जितने भी स्टूल किया, यूरिन किया, और जितने भी प्रकार के अलग अलग टेस्ट किए उन्होंने, USG किया और एक्सरे किया, तो सर वो सब उनका नॉर्मल आया सर, कोई टेस्ट में भी कुछ इन्फेक्शन ऐसे नहीं आया। फिर भी उन्होंने एंटीबायोटिक शुरू किया है सर कल से। तो सर पोजीशन ऐसा है कि अभी हम लोग खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको बुखार क्यों है और अभी क्या करना चाहिए, और शी इज हॉस्पिटलाइज लास्ट 3-4 डेज, टुडे इज द 4th डे सर। तो सर अगर आप इसमें कोई गाइडेंस कुछ अभी फिलहाल एजुकेशन क्या है सर? मेरी सर मैं BSc मैंने किया है, बायोसाइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और सर उसके बाद CA का किया था सर। डेंगू आपके हिसाब से क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन?
सर वो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये डेंगू जब हुआ था तो वो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन था आपके हिसाब से? आपके हिसाब? अच्छा आप बीएससी किए हो ना? हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं, मैंने तो ये सुना है सर कि वो मच्छर के द्वारा शायद होता है सर, मच्छर काटने से होता है ऐसा मैंने सुना है सर, मस्किटो बाइट। आप इतने दिन से भुगत रहे हो तो थोड़ा बहुत अपन कॉमन सेंस, 8th क्लास की यदि एनसीईआरटी भी आपने भी अच्छे से पढ़ी होती ना तो आपको ये पता होता कि यदि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। हाँ वायरल में एंटीबायोटिक नहीं प्रिस्क्राइब करते, राइट सर। आप तो ठोक के दे रहे हो सर। उन लोग एंटीबायोटिक कल से शुरू किए, जब वो डेंगू का ओवर हुआ बोले कि अब सेकंड टाइम पे नहीं दिया आपने एंटीबायोटिक? नहीं डेंगू के टाइम पे नहीं दिया सर, खाली पैरासिटामोल दिया था सर बुखार कम करने के लिए। अभी आपने डायग्नोस नहीं है, एंटीबायोटिक दे रहे हो? हाँ जी सर, अभी कोई डायग्नोसिस तो हुआ नहीं है कि कोई कि यही हुआ है, ये इन्फेक्शन है, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आए लगभग सर। हाँ थोड़े सर, एक रिपोर्ट में यूएसजी में एक बोले कि यहाँ पर थोड़ा बोले राइट साइड में उन लोग मेडिकल टर्म में क्या प्लूरल इन्फ्यूजन ऐसा कुछ बात लिखा है उन्होंने कि भाई पानी हो गया, डॉक्टर ऐसा बोले कि मतलब पानी है ऐसा उन्होंने लिखा है। तो आपको यदि अपनी पत्नी से थोड़ा भी प्यार है ना, चाहते हो आप उन्हें, तो ये दवाइयां बंद कर दो और फलों पे उनको ले आओ। दवाइयों के साथ आप और भी कुछ दे रहे खाने के लिए, दलिया वगैरह? हाँ सर जी, चाय वाय। हाँ अभी लास्ट कल से वो खाना शुरू किए तो थोड़ा भूख लगने लगा है, तो वो चाय और सुबह में टोस्ट देते हैं, फिर वो पैर को सर उनको चावल दाल और कोई एक सब्जी और फिर थोड़ा सा 7 दिन जैसे हम बतावें वैसे आप करोगे तो इस चक्रव्यूह से आप बाहर आ जाओगे, नहीं तो अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में ही रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो दवाइयां बंद करो और ये खाना बंद करो, चाय बंद करो, दलिया रोटी जो भी खिला रहे हो सब बंद करो, फूड डाइट पे आप लेके आइए। क्या सर अभी साइंटिफिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, बीएससी के आप स्टूडेंट रहे हो इसलिए। हाँ जी सर, जो बुखार है ना वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं आता है, ये चीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया, उनका नाम है एंटोनी बीचेम और सन 1850 से लेके 1900 तक उनका दबदबा था पूरे साइंस इंडस्ट्री पे, लेकिन उनकी बात को दबाया गया जिससे कि हम लोगों को उल्लू बनाया जा सके और लुईस पेस्टर की बात को माना गया जो कि उसके सामने बिल्कुल एक डफर आदमी था। जो बुखार है वो डिटॉक्स सिम्टम है, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, बॉडी बार बार लेके आ रही है, आप उसको टॉक्सिन्स दे रहे हो, बॉडी डिटॉक्स करना चाहती है, बॉडी को डिटॉक्स करने दो। बॉडी आपकी आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यदि पूरे दुनिया के भी साइंटिस्ट मिल जाए ना तो आपके जैसी बॉडी भी नहीं बना सकते, तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंट बॉडी कुदरत ने बनाई है उस पर विश्वास करो। वो बुखार लेके आ रही है, उस बुखार का जो प्रयोजन है उसको पूरा होने दो, बॉडी डिटॉक्स करना चाहती है, उसको टॉक्सिन्स खिलाना बंद कर दो, आपका जो खाना है जो दवाई है वो टॉक्सिक है, आप उस डिटॉक्स को रोक रहे हो, आप
उसको खुला छोड़ दो, आप अपनी वाइफ की बॉडी के इंटेलिजेंस के सामने कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बीच में मत आओ, आपका डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा, चाहे आप 10 लाख रुपए खर्च कर देना, वो बिना गारंटी के शुरू करेगा और 100वीं पे जाके खत्म कर देगा। मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, कुछ मत करो, कुछ मत खिलाओ, 7 दिन में बढ़िया हो जाएगी। सारी दवाइयां बंद कर दो, सब चीजें खाने की बंद कर दो, केवल फल खाने को। क्या वो अभी हॉस्पिटल में है? हाँ वो हॉस्पिटल में है। ले आओ हॉस्पिटल से, कुछ नहीं होगा वहां पे, दुर्गति होगी और कुछ नहीं होगा। सर वीकनेस बहुत है, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस है उसमें सर, खाली फल देना ठीक है सर? आप मतलब आप क्या चाह रहे हो, घी पिलाना चाह रहे हो उनको? नहीं हम ये सुना है सर कि अनाज से शायद शरीर में ताकत रहता है। तो ये आपने सुना है ना ये? हाँ जी सर। आपकी जो जानकारी जो गलत है, आप अपनी पत्नी की गारंटी ले सकते हो क्या? नहीं सर गारंटी तो मैं ले रहा हूँ ना, गारंटी बोलो आप कितने का चेक बनना है, लिखो स्टाम्प पेपर, मेरे घर पे छोड़ दो आप। इतनी गारंटी तो डॉक्टर्स भी नहीं देते सर जो आप दे रहे हैं। मुझे पता है ना कि कुछ हुआ ही नहीं, जबरदस्ती आप टॉर्चर कर रहे हो। सिंपल डिटॉक्स है, हम लोग लोगों का लेके आते हैं फ्रूट खिलाते, उनको 2-3 दिन पानी पे रखते हैं, वो पहले से बहुत बेटर हो जाते हैं। आपको यदि डॉक्टर से बात करनी है तो हमारे ग्रुप में डॉक्टर साहब भी होंगे, अभी उनसे बात करवाए थे, है क्या कल्याण जी? वो अपने गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी अभी है नहीं शायद, उनसे गोपीनाथ जी से बात करी, आए थे फिर निकल गए। एमडी फिजिशियन भी है हमारे साथ, और जब आपकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी तब हमें पता था, 2-3 दिन पहले भी सुकृति जी का मैसेज आया था, जब वो हॉस्पिटल में उनको देखने गई थी, पता नहीं क्या दिया था, तब भी हम डेंगू ही डिस्कस कर रहे थे सर, इसलिए मैंने डिस्कस किया था सर। तो ये समझ के चलिए कि आप जो है, आपको उल्लू बनाया गया है और कुछ नहीं है, नथिंग। और इससे ज्यादा खराब किसी के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता जो आप कर रहे हो। एम्स दिल्ली में भी यदि आप चले जाओ, वहां भी किसी को एंटीबायोटिक नहीं खिलाते। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे तेंदुलकर है, उसको बुखार आएगा तो उसको एंटीबायोटिक नहीं खिलाएंगे, यदि खिला देंगे तो उसका गेम ही खत्म हो जाएगा। जो यदि एक रनर है 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ता है, यदि उसको बुखार आ गया उसको एंटीबायोटिक खिला दी तो कभी जीवन में 10 सेकंड में नहीं दौड़ पाएगा। आपको कुछ डाउट आ रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं, डाउट आ रहा है आपको? नहीं डाउट नहीं, मैं मतलब निकाल के लाना
यही सोच रहा हूँ कि ये टाल के लाना बड़ा आसान है, डॉक्टर को कहना भैया देख मेरी बात सुन, अब तू गारंटी ले कि तू क्या करना चाहता है, पैसे मेरे से ले, गारंटी तेरे को लेनी पड़ेगी, मेरे को कितने दिन में ठीक करके देगा, वो कहेगा भाई साहब ले जाओ, क्योंकि उसको पता है उसको कुछ नहीं आता, वो कह रहा है मेरे को वैसे इतनी कमाई हो रही है लाख दो लाख में पड़े, मैं तुम्हारी क्यों गारंटी लूंगा, यहाँ तो मानने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, यदि मैं दो चार रोज के टपकाऊंगा तो इतने पैसे, गारंटी लेने का कोई काम नहीं। यदि वो कल को आपको कह भी देगा कि भाई साहब सॉरी, तो आप क्या कर लोगे? सर एक बात और भी विचार आ रहा है कि उनका पुराना बहुत तरह का बीमारी भी रहा हुआ है, और उसका तभी तो बॉडी डिटॉक्स करना चाह रही है, तभी तो बॉडी डिटॉक्स करना चाह रही है जिसको आप सप्रेस कर रहे हो, और पहले भी बीमारी इसीलिए रही है क्योंकि कभी उनको आपने डिटॉक्स होने ही नहीं दिया। यहाँ फ्रूट खा के लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, आप तो डेंगू पे इतना सोच रहे, और जो डेंगू आपका ठीक हो चुका है, तो ये आपकी सोच है, ये ऐसे ही लोग चाहिए जो अपना घर का व्यक्ति और अपना पैसा देने के लिए तैयार हो बिना किसी गारंटी के, कि ठीक है ये हमारा पेशेंट भी रख लो, पैसा भी रख लो, और डेड बॉडी भी दे देना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप लिख के दे दे, वो ऐसे ही चाहते हैं, यही आपका भय है, यही इग्नोरेंस है। और ये भी आपको पता है, वो कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता क्या चीज है, चलो एंटीबायोटिक खाते रहो, ये भी कितना कमाल है, और उसने सारे टेस्ट करा लिए, खुद ही आप बोल रहे हो। इसमें सर कल्चर का आना बाकी है, बोलते 3 दिन लगेगा, कल्चर ब्लड कल्चर स्टूल कल्चर यूरिन। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब आप बिल्कुल ही गलत सोच के साथ अपना जीवन जी रहे हो, और हम लोग भी पहले ऐसा ही जीवन जीते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सर एक एक और याद है कि जैसे उनको सोरियासिस था बचपन से, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस अभी है, तो उसका अभी आर्थराइटिस है नहीं, लेकिन उनका दवाई सिम्टोमिक साइज, उनको दवाई साइज साइज बोल के दवाई है वो उनका चलता है, एस्थमिक है तो वो एस्थमा के लिए वो सर इनहेलर भी यूज करती है, फिर उनको बहुत तरह के बाकी भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो उसका भी दवाई, हाँ हार्ट रेट उनका हाई रहता है तो बीपी का दवाई है, तो ये सब सर सब दवाई को अपने को मतलब दवाई सबंध करके उनको फ्रूट में अचानक ही लाना है कि कैसे करना रहेगा? ये बताओ सोरायसिस की क्या दवाई है, क्या सोरायसिस उससे ठीक हो जाता है? बचपन से सोरायसिस है, कितने साल हो गए आपको दवाई खिलाते खिलाते ठीक हुआ? सर सोरियाटिक एक्चुअली सोरायसिस बचपन में था उनको, तो बीच में काफी बहुत ज्यादा हुआ था सोरियाटिक अटैक, तो फिर उन्होंने हमने कोई आयुर्वेदिक से दवाई दिया था, और वो आयुर्वेदिक दवाई देने के बाद उनका वो सोरियासिस तो खत्म हो गया, प्रैक्टिकली खत्म हो गया, उसके बाद हमने कभी वो देखा नहीं उनके मतलब कभी, लेकिन सोरियाटिक एथराइटिस डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उनको अभी उनके क्या बहुत दर्द रहता है सर, पूरा शरीर में बहुत दर्द रहता है, तो वो सोरियाटिक एथराइटिस का दवाई चालू हुआ था उसके वजह से, लास्ट 3 साल से वो खा रही है वो। देखो बॉडी से, बॉडी ने टॉक्सिन स्किन से निकालने की कोशिश की, आपने उसको भी बीमारी माना, उसको रोक दिया, अब वो आपके टॉक्सिन हड्डियों में जमा हो गए, पेन कर रहे हैं, उसकी भी आप दवाई खिला रहे हो, कल को तो आप वो लैटरिन करेंगी उसकी भी दवाई खिला देना कि ये भी गलत है। आप तो कोई भी चीज यदि बॉडी डिटॉक्स करना चाहे तो उसको रोक दो आप कैसे भी, यही आपकी नॉलेज है। स्किन क्या करती है, यदि स्किन में से
सोराइसिस के थ्रू क्या चीज निकल रही है? वेस्ट निकलती है सर। क्या निकल रहा है? स्किन। सोराइसिस वो सोराइसिस होने से स्केल्स होता है, स्केलिंग होता है ना, तो वो क्या चीज है? वो खाने पीने का आइटम है बहुत, एप्पल निकलना है खाने, मतलब फ्रूट्स निकलना है, क्या चीज निकल रही है? तो सर जो जो ड्राई स्किन होता है, जो वेस्ट है वो एक्चुअली ठीक हो गए हमारे यहाँ पेशेंट। अच्छा है कि आप सबसे पहले पेशेंट नहीं थे, यहाँ आगे लोगों के सोराइसिस ठीक हो गए फल खा के। उसके बाद में आपसे बात कर रहा हूँ। निकल गया जो निकलना था, रोका नहीं उसको, बढ़िया हो गया आदमी। आप तो हर चीज रोकना चाहते हो ना, आपके तो पत्नी को दस्त भी लग जाते होंगे तो भी आप रोक देते होगे, दवाई खिलाते, उल्टी लगती होगी तो भी रोक देते होगे, है ना? बीमारी है ना दस्त लगना। तो पहले आप अपनी सोच बदलो, यदि अपन ने चार समोसे खा लिए, पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, तो वो दस्त नहीं लगने चाहिए थे, समोसे डाइजेस्ट होने चाहिए थे, निकल रहे हैं बीमारी है, हल्की हल दवाई खा के उसको रोक लो अंदर, यही आपकी सोच है। और ये जब तक गलत सोच नहीं बदलेगी तब तक आप जैसे लोगों पे जो आश्रित हैं उनका जीवन नरक ही रहेगा। और कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना सर नहीं है, बस ये सोच रहा हूँ कि मतलब इसको किस तरह से क्या किया जाए। आपका बात सुन के बात तो आपको लॉजिकल लगता है कि सर कि कोई भी चीज को जबरदस्ती रुकने से वो कोई हल नहीं निकलेगा उसका, ये बहुत नेचुरल बात लगता है सर। इतनी सारी दवाई मतलब क्या तकलीफ आ रही है? डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे आप? नहीं नहीं वो नहीं सर, सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि मतलब वाइफ से सबसे पहले तो उसको भी सर फल में वो कितना रह पाएगी नहीं रह पाएगी ये सब भी एक चैलेंज है मेरे लिए सर। तो वो इस समय में सर तो ये सोच रहा हूँ कि भाई एक बार बात करूँ उनसे जाके। डॉक्टर जो है ना आपका जहाँ इलाज चल रहा है ना उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दो आप, उसको बोलना कि मेरी वाइफ को बुलाओ और उसको बोलो कि 7 दिन फल पे रहो उसके बाद वापस आओ। वो आपकी वाइफ मान लेगी। और 5,000 रुपये में आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी और डॉक्टर भी खुशी खुशी बोल देगा, दोनों सबका काम हो जाएगा। नहीं तो आप 10,000 रुपये पर डे खर्च करोगे तो भी कुछ नहीं। डॉक्टर भी हमेशा जीवन में आपका थैंकफुल रहेगा, वाइफ भी थैंकफुल रहेगी, आपको आपकी वाइफ मिल जाएगी। हर चीज का लॉजिकल वे आउट है। आपके साथ तकलीफ क्या है? आप हॉस्पिटल में 10 लाख खर्च कर सकते हो लेकिन 5,000 रुपये डॉक्टर को ईमानदारी के देने में तकलीफ है। डॉक्टर भी इसीलिए परेशान है, डॉक्टर भी इसीलिए उल्लू बनाता है, उसको पता है ये बात कि सही सलाह के कोई पैसे नहीं देगा तो उल्टा सीधा घुमाते हो उनको। आपको कुछ टॉक्सिन एक्युमुलेशन के बारे में कुछ डाउट लग रहा है कि ये जो हमारे अंदर कचरा जमा रहता है वही निकलता है बाहर और उसी को हम रोकते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ आपको डाउट लग रहा है?
नहीं मैडम, इसमें तो एकदम बात एकदम सही लगता है कि एक्चुअली में बॉडी में कोई भी रिएक्शन है वो अंदर में टॉक्सिन है उसके कारण से है। और वो जो सर बोले कि वो बात भी सही लगता है कि बुखार जो है वो तो एक्चुअली में टॉक्सिन जम जाएगा तो बुखार आएगा, और ये बात सब सही लगता है, लॉजिकल लगता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरी वाइफ से मेरे को जो बात करना है और उसको कन्विंस करना, वो मेरे को एक क्योंकि आदत जिस तरह का बना रहता है, और देखता हूँ मैं यही सोच रहा हूँ अभी जाके बात करूँ जाके कि मेरे चिंता का विषय है कि बुखार जा नहीं रहा है और डॉक्टर आपकी मानती नहीं है, चिंता क्या करना। नहीं सर, खाने पीने के मैंने वो मतलब वो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई मैं कैसे, अपने देश में इतने बड़े बड़े समझदार लोग आमिर खान वगैरह पैदा हुए हैं, तो वो आप लोगों को मार्गदर्शन दे ही रहे हैं कि जो पत्नी नहीं माने अपनी बात टाटा करो उसको और वो खुद ही हॉस्पिटल में, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी। जो मानती नहीं है उसके लिए क्या सोचो, उसके लिए क्यों परेशान हो। नहीं वो बात तो सही है सर, लेकिन आप तो डॉक्टर से बोलो कि एक नहीं तो 10 एंटीबायोटिक खिला, मेरा मैटर 3 दिन में निपटवा दे। देखता हूँ सर आज। ये तो आपका मोह है, मोह जिसके लिए आप परेशान हो। सबको अकेले जाना है। आप मोह मत करो उसका। परेशान मत हो, खुश हो जाओ। परेशान तो सर भाई, जो बीमार लेडी इतनी हावी है आपके ऊपर, तो वो जो है स्वस्थ हो जाएगी तो आपका क्या हो। बहुत सर बात करता हूँ आज मैं, नहीं है स्थिति यार। क्योंकि खाली फल खाना ना सर एक मतलब मतलब खाली फल मतलब ऐसा लगता है कि वो सोचने मतलब वो कैसे वो कर हाँ करे नहीं करे, कर पाएगी नहीं पाएगी। मान लीजिए दो दिन स्टार्ट किया, आपको लग रहा है कि दिन कर पाएगी या मतलब वो मेरे को नहीं लगता है। मैं इतना सिस्टम में हूँ ना, इसीलिए ये बात सोच रहा हूँ कि भाई वो दो दिन बाद फिर वो बोले नहीं भाई मेरे से नहीं होता मतलब चलो। ऐसी ऐसी लेडी है 5 दिन से पानी पे ही है, फल का तो कोई चक्कर ही नहीं है, पानी पियो मजे करो। बुखार में तो पानी ही पीना चाहिए, फल खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो आपकी स्थिति को देखते हुए हम बता रहे हैं कि फल खा लो भाई। गौरव सर इनको सजेशन दो, ये भी फल खाना स्टार्ट करें, दोनों मिलकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो खुद ही कर रहा है ना, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये चाहते क्या है। खुद भी खाएं ना साथ में, ये खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं मेरे को तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहे। मेरे को सर और कुछ नहीं है, मेरे को लग रहा है कि मतलब वो फल कैसे वो मतलब मैं उनको कैसे कन्विंस करूंगा, बस वही एक मेरे लिए चैलेंज है। क्योंकि आज सुबह मैंने थोड़ा बात किया था, एक्चुअली मैं बैकग्राउंड बताऊं थोड़ा सा, मैंने इस बात को जो सुकृति बोली थी तो मैंने थोड़ा बात किया था, तो बोले नहीं मेरे से खाली फल में नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने कुछ बात नहीं किया। आज मैं वही सोच रहा हूँ कि सर मेरे को लॉजिकली मेरे को समझ में आता है सर कि ये बात आपका एकदम सही है, लेकिन मतलब उसको पूरा आप पानी का जो बात कर रहे हैं वो फिर भी उससे पॉसिबल लगता है सर, उसके लिए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मेरे को कुछ मत दो खाने को, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ना खाए रह जाऊंगी। केवल पानी में भी रख सकते हो आप तो कोई मुनि महाराज से
पत्तल लिखवा के ले आओ अपने जैन मुनि से कि 7 दिन बेटा पानी पे बहोगी बढ़िया हो जाएगी। वो भी चलेगा। चलिए ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। एक बुखार आ रहा है। थैंक यू सर। आप बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को लेके आते हैं सर। चेष्टा रहता है सर, बहुत दिनों से चेष्टा है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर मेरा है कल्पना। कल्पना जी बोलिए। सर मेरी बेटी को 5.5 साल की, उसको आज फीवर आ गया है, तो मैंने अभी तक उसको कैल्फोल तो नहीं पिलाई है, बस मैं उसको पानी सिप सिप करके देती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ मैं कब तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो तो कहेंगे दवाई पिला दो, लेकिन मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ रात तक ठीक हो जाए। अभी मैंने मेजर किया था तो 100.2 था। इतने में तो हमारे बच्चे दौड़ने चले जाते। सर वो भी दौड़ रही है। सर ये भी दौड़ रही है, लेकिन बस मुझे लग रहा है कि अभी सबको पता चलेगा, अभी किसी को बताया नहीं घर में, तो बस पानी ही दे रही हूँ अभी सर इसको सिप सिप करके। हाँ तो ठीक है सर, दवाई तो नहीं दूँ ना। देख लो आपकी इच्छा है, आप कैसा भविष्य चाहते हो। सर इतना सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। सर अच्छा एक बात बताइए, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है? जैसे आप कहते थे कि आप करवाते थे, तो कोई टेस्ट करवाऊंगी? बस पानी देती रहूं बस ठीक है, कल तक ठीक हो जाएगा। वैसे कल तक ठीक हो जाएगा। और सर ये दौड़ भाग कर रही है, इसको करने दूं? करने दो उसको, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या। हाँ मतलब जब स्कूल से आई उसको थोड़ा हेडेक हो रहा था, फिर मैंने पानी पिला के सुला दिया इसको, तो जब सो के उठी है तो गर्म लग रही है बॉडी, लेकिन हेडेक कुछ भी नहीं है, बस गर्म है बॉडी, ये है। ठीक है, होता है इतना नॉर्मल। बच्चों का टेम्परेचर तो बिल्कुल अपर साइड ही रहता है ना, उनके पास बहुत एनर्जी रहती है। अच्छा। उनको फीवर भी एकदम तेज आता है, 102-103 ऐसे। सर लेकिन जैसे बड़े लोगों की एनर्जी कम होती है, वो उतना फीवर नहीं लेके आ पाती है। सर जैसे इसका भी 100 है, तो ठंडे पानी की पट्टियां वगैरह करूं कि नहीं? वो जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है सर। खाने के लिए भी मना कर रही है, तो मैं फोर्स भी नहीं कर रही हूँ, बस पानी बार बार बोलती जा रही हूँ, सिप सिप करके पीती रहो, तो मान भी रही है तो कर रही है अपना बस। सर अगर जैसे कभी रात में अगर मुझे बोले कि हाँ मम्मा भूख लगी है दे दो, तो नारियल पानी मेरे पास है तो मैं दे सकती हूँ नारियल पानी? दे देना। ठीक है सर, ठीक है सर। सर बस यही क्वेश्चन था, थैंक यू। सर किसी भी तरह का बुखार हो, जैसे डेंगू निमोनिया टाइफाइड, तो सब में पानी ही पीना है, चाहे कोई भी बुखार हो? बुखार के नाम रखने से बुखार का नेचर चेंज नहीं होगा। ज्योति जी आपको कुछ पूछना है क्या? यस सर। सर मुझे ना 4 डेज पहले मुझे बहुत ठंड लग गई थी, मतलब बहुत थ्रोट स्वेल हो गया था, तो मैं जब मुझे ठंड लगती है तो बहुत एक्सट्रीम होती है, तो मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और उन्होंने मुझे क्लैवम 625 एक एंटीबायोटिक दिया था। तो आज मेरा 4th day है, तो मैं मुझे तो पता नहीं था ये सब, तो मैं 4 डेज से एंटीबायोटिक ले रही हूँ। अभी आपकी बात सुन के मेरा मन नहीं करा कि और मैं टैबलेट लूँ, तो मैं ऐसे बीच में छोड़ दूँ उसे? मेरे और 3 टैबलेट्स बचे हुए हैं। रोज एक टैबलेट डस्टबिन में या उसमें डाल दिया करो, यदि पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं तो। हाँ सर उनको नहीं पता तो वो वैसे ही फेंक दो। सर मेरी मम्मा ना, सर मेरी मम्मा को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मम्मा माइंड में उनका हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने उनको डिप्रेशन की मेडिसिन दी हुई है, तो वो सब तो सही नहीं है लेना। कितने दिन हो गए? सर 3-4 मंथ्स हो गए हैं,
और सर अब वो नहीं लेती है ना वो मेडिसिन, तो उनके माइंड में कुछ होने लगता है, मतलब उनका हेडेक होने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगता है, मतलब शी इज वेरी मच यूज टू इट नाउ, मतलब अब उनकी बॉडी नहीं लेती है तो बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं अजीबो गरीब. सो टाइम हो गया ना, तो वो एडिक्ट हो चुकी है उस मेडिसिन की. मेडिसिन डिजाइन की जाती है कि पेशेंट जिंदगी भर लेता है. सर क्या करूं मैं, सर मुझे तो अभी आपकी बात सुन के पेपर करनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे. क्या करनी होगी मुझे? धीरे धीरे कट करनी पड़ेगी मेडिसिन, बहुत कम कम डोज. अच्छा सर, होम्योपैथी डॉक्टर्स बेटर होते हैं? डॉक्टर तो सब उल्लू बनाने के लिए होते हैं, हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है. होम्योपैथी डॉक्टर को तो खुद ही नहीं पता होता है कि वो कर क्या रहा, मतलब यदि वो उसको कुछ संकट आ जाता है तो एलोपैथी डॉक्टर के पास चला जाता. ओके सर, मम्मी के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे सर? मैं बरेड हूँ उनके लिए. यदि वो ठीक होना चाहती हैं तो अपन कोशिश कर सकते हैं, यदि वो चाहती हैं. ओके सर, थैंक यू सर. सर मेरे 23 डेज हो गए हैं, तो रिपोर्ट कब तक करानी है फिर से? बर्थडे के एक दो दिन पहले करा लेंगे. अच्छा नहीं, उस टाइम पे मैं नहीं करा सकूंगी, बिकॉज हमारे जो मोहर्रम है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद में करा सकती हूँ, थोड़ा लंबा रुकती है. बाद में करा लेना, अभी आपका ब्लड शुगर तो फास्टिंग तो कम हुआ नहीं है. नहीं हुआ सर, 203 आज भी बता रहा था. तो अभी कोई कराने से फायदा नहीं. ओके थैंक यू. ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मैं एक सिचुएशन शेयर करूं सर? हाँ जी हाँ. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिल्क के बारे में या वीट के बारे में, दोज आर डैमेजिंग द नेचर एंड ऑल दिस स्टफ, तो कुछ कुछ सिचुएशंस लाइफ में जैसे आते हैं वो, जैसे आज ही मेरे अपार्टमेंट में किसी एक को मतलब सेंसलेस टाइप हो गए थे, एक सस्पेक्टिंग सेरिब्रल अटैक, तो उनको इसमें हॉस्पिटल ले जाया गया इमरजेंसी. उस टाइम आपसे हेल्प सीक किया जाता है एंड यू नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एक्चुअली, तो वो सिचुएशन में मतलब इफ आई एम कंज्यूमिंग मिल्क देन आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द मिल्क इंडस्ट्री, इफ आई एम कंज्यूमिंग व्हीट देन आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. So if I am extending my help to someone to go to hospital or escort him to hospital, then also I am actually doing it for actual nothing. So is situation mein aapka kya outlook hai sir? Am I, could you comprehend mera question? Main samajh raha hu, jitna yadi koi aadmi emergency situation mein hai to kya hame use hospitalize होने में मदद करनी चाहिए? यस, बेसिक क्वेश्चन ये है. हाँ, मानवता के नाते तो करनी चाहिए. अब उसमें रिजर्वेशन आपका ये है कि भाई हॉस्पिटल इंडस्ट्री को फायदा होगा क्या उससे, या वो घर उससे भी पहले तो ये है, जैसे मान लीजिए अभी जो सज्जन आए थे वो उनके वाइफ कन्विंस्ड है जब वो हॉस्पिटल जाएगी तो अच्छा हो जाएगी,
तो वो रो रही है जो मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा नुकसान हो रहा उससे पहले ये समझ रही है जो इनको हेल्प होगा, मुझे हेल्प चाहिए तो ये हेल्प, ये पति के कमेंट्स है ना, ये हमने एक व्यक्ति के कमेंट सुने हैं, वाइफ बिल्कुल उल्टा बोलेगी। जब वाइफ से पूछेंगे ना कि भाई तो ये इनकी वजह से मैं बीमार हूं, ये मुझे फल लाके नहीं देते, ये मुझे फल खाने नहीं देते। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो भी एक सिचुएशन हो सकता है, बट अगर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं जे ये जैसे मेरा ही साथ हुआ, अभी मैं मम्मी के बारे में बोल रहा था ना, जो अभी शी इज टुडे ऑन 24th डे ऑन फ्रूट्स, बट इन बिटवीन अराउंड 15th डे 16th डे में उनका अस्थमा का अटैक भी बहुत बढ़ गया था, चेस्ट में हैवीनेस था, तो शी वाज सेइंग दैट अभी मैं मर जाऊंगी लग रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल लेके चल ये बोल भी चुकी थी। तो मैं फिर किसी भी तरह बार्गेन किया जे चलो कल सुबह देखते हैं, फिर सुबह थोड़ा आराम हुआ तो ये ऐसा करके मैनेज किया। तो मान लीजिए ऐसा कोई है जिसमें मेरा डिसीजन नहीं रहता है बट आपसे हेल्प सीक किया जाए, शुड वी चूज टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन और शुड वी एक्सटेंड आवर हेल्प, कैसा मतलब आपका आउटलुक क्या है इसमें? तो यदि कोई पेशेंट की ऐसी वाली स्थिति है जहां उसकी लाइफ सेफ है, मतलब वहां लाइफ को कोई खतरा नहीं है, अब वो हॉस्पिटल फिर भी जाना चाह रहा है, और एक ये है कि बिल्कुल ही लाइफ उसकी गांव पे है, लाइफ गांव पे है तो उसको लेके जाना चाहिए, पहले लाइफ सेफ होना चाहिए, क्योंकि फूड खिला के हम इमीडिएट तो नहीं कर पाएंगे। यदि उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है तो फिर वो सब उसकी नौटंकी चल रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ मतलब वो डिसीजन भी लेना बहुत समय डिफिकल्ट होता है, जो आपको पता भी नहीं है नौटंकी है या नहीं है, जैसे आज अभी वो सज्जन है, मतलब लाइफ को कोई खतरा नहीं है, फल खा के वो ठीक हो जाएगा, एक दिन में उसको फर्क दिखेगा। यस, और हॉस्पिटल जाके भी उसका कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई That's a fact, but situation ये है जो आपके दायरे में नहीं है। मेरी मम्मी का तो मैं decision ले सकता हूँ, but मेरे neighbor का तो नहीं ले सकता हूँ ना, तो वो जैसे वो अभी hospital से वापस आ गए हैं तो पता चला overdose of sedative था वो, तो अपने को क्या करना है neighbor से, हमें तो कुछ मतलब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो पूछे जब तक ना उससे कोई मतलब है। जो क्वेश्चन है वो सामने से रेज होना चाहिए, अपनी तरफ से अपने को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए कि भैया ये कर ले। सबको पता है कि कल्याण जी से हम सलाह ले सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं ले रहे हैं तो उनको पता है कि ये क्या सलाह देंगे, और वो उनको नहीं माननी तो उनसे बात करके होगा क्या? ठीक है कल्याण, फिर आप गए या नहीं गए उनको हॉस्पिटल के लिए हेल्प करना? I did not escort him to hospital, but I had to give my hand to just carry him to the ambulance, and वो सब सपोर्ट तो देना बनता है moment to moment basis में, how can you avoid, वो तो करना पड़ा। आपने जो अपना एक्सपर्टाइज है वो नहीं दिया, क्योंकि सामने वाले को उसकी जरूरत नहीं है, आपने एक वो सपोर्ट दिया जो सामने वाला चाह रहा था, और उसको करने में अपना कोई नुकसान नहीं है। हाँ, फिजिकल सपोर्ट, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ मीनू, करना पड़ा मतलब ये नहीं है दैट देयर इज नो रिपेंडेंस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एट दैट मोमेंट वो और कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा, मुझे मैं किया। मीनू जी, आपकी सोच इतनी डिफरेंट क्यों है? जो है आपके आपका जो क्वेश्चंस होते हैं
जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो बाकी से इतने डिफरेंट क्यों? सर आई डोंट नो दैट जो आ रहा है क्वेश्चन तो वही पूछते हैं फिलहाल। अच्छा आप ये बताइए आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो क्या सोच के ज्वाइन करते हो? जनरली जो लोग यहाँ आते हैं तो दे आर समवेयर उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है उसको लेके आते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है मुझे ऐसा मुझे लगता है फिर भी हो सकता नहीं हो भी। आप यहाँ क्या सोच के पार्टिसिपेट करते हो इस मीटिंग में? सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड या सॉर्ट ऑफ नॉलेज? ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगती कि होगी लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दूँ। सर अगर मैं अब हाँ तीसरी चीज जो है वो आप बताइए कि क्यों आते हो आप? सर मैं बहुत टाइम खुद भी फ्रूट्स बहुत टाइम से फ्रूट्स खा ही रही और मतलब जो भी कुछ ऐसे कुछ इश्यूज एक्चुअली थे नहीं मेरे बट जो भी कुछ समझ आया अभी तक हेल्थ के बारे में कि ये जो अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन होता है टॉक्सिनिया होता है और वो कैसे बॉडी बाहर फेंकने का कोशिश हमेशा बॉडी में अपने आप होता रहता है लाइक इट इज ऑटोमेटिक। सो आप जो बात बता रहे हैं उसका कुछ सेंस बन रहा है इसीलिए मैं आती हूँ। कुछ चीजों में बन रहा है कुछ चीजों में नहीं बन रहा है ऐसा भी है लाइक ऐसा नहीं है कि सभी कुछ जो आप बोल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि वो करेक्ट है या वैसा ही है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन उसमें भी आते हैं और वो क्वेश्चन आते हैं शायद इसीलिए मुझे ऐसा मन में आता है कि मैं ज्वाइन करूं बट आई कैन नॉट प्रोबेबली आंसर दिस फॉर श्योर व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर ज्वाइनिंग आई डोंट नो इफ दैट इज अ रिस्पॉन्स बट अभी फिलहाल जो आया वो मैं बोल रही हूँ। सर कुछ और आएगा तो कल फिर अगर होगा तेरा तो बोल दूंगी। चलो कोई क्वेश्चन तो अपन ऐसा पूछ पाए जिसका मीनू जी के पास जवाब दिया है। सॉरी कोई क्वेश्चन तो हम भी ऐसा पूछ पाए जिसका जवाब आप आसानी से नहीं दे पाए क्योंकि सर इतना कोई जवाब कोई करेक्ट जवाब किसी चीज का हो ऐसा कुछ मतलब कोई एक जवाब है वही देना है वैसा कि ये जवाब ही तो था जो मैंने दिया मतलब वैसे देखा जाए तो उससे आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो ना हमको सेटिस्फाइड सॉरी उस जवाब से आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो हम तो सेटिस्फाइड हैं आपके जवाब से। तब ठीक है सर और वो आर्टिफिशियल नेचुरल वाला क्वेश्चन का क्या हुआ? हाँ वही क्वेश्चन आ रहा था एक्चुअली मैंने सोचा अभी 5:30 हो रही है माय बैटरी इज वेरी लो मे बी फोन बंद हो जाए बट चलेगा तो देख। आपकी बैटरी लो नहीं है फोन की बैटरी। हाँ फोन की लो जी आपकी एजुकेशन क्या है कुछ यदि आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो बताइए मतलब मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइकोलॉजी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है मेरी याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था आगे कुछ नाम के आगे डिग्रियां तो लगी गई हैं बट याद नहीं आ रहा सर कुछ उसमें से तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज आपने पढ़ी है जो हमने नहीं पढ़ी है हा? कुछ ना कुछ ऐसी कोई साइंस आपने पढ़ी है
और कल्याण जी ने भी वो पढ़ी है लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, ये ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो आप एक अलग से सेशन कर सकता है, एक्चुअली आई एंड मीनू वाज वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, जो एक अलग से सेशन इसका हो सकता है। नहीं मीनू, व्हाई डोंट यू प्रपोज दैट? कभी भी कर लीजिए सर, अगर गौरव जी फ्री जब भी हो, ये ज्यादा बिजी रहते हैं कुछ शायद ऐसा लग रहा मुझे। हम तो फ्री मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैं पेंडिंग काम है वो निबट ही नहीं पाया, वहां तक नंबर ही नहीं आ पाया, उसके पहले ही मेरा दिन निकल गया। आप जब भी 2 घंटे निकाल पाए हम कभी गपशप करेंगे। घंटा भर भी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल था, तो मैं ये मानता हूँ कि जो नेचर ने बनाया वो नेचुरल है, जो इंसान ने बनाया वो सब आर्टिफिशियल है। सर अगर हमारे सामने कोई 2 ऐसी चीजें पड़ी हो जो हमने कभी नहीं देखी हो, तो मैं पता कैसे चलेगा कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल? नहीं पता चल सकता है। हो सकता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा होता हो, लेकिन जो रियल सिचुएशन जो अभी मैं देख रहा हूँ उसमें तो अपने को पता लगता है। वो जो भी आपकी जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं ना, वो थोड़े से फिलोसफिकल होते हैं, फिलोसफी या अननेचुरल स्थिति में ऐसा क्या होगा, या रियल लाइफ सिचुएशन से बाहर होते हैं। तो वो ये तो सब मान रहे हैं ऐसा, आई मीन It's just something we are exploring. हाँ मतलब वो ठीक है, मतलब discussion के point of view से हो सकता है उसका relevance और अच्छी चीज है, लेकिन हमें यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं अभी, वहाँ पे लोग particular objective के साथ join किया हुआ और उसकी रिकॉर्डिंग भी लोग देखते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा ऑन द टॉपिक रहना बहुत जरूरी है। Yes. सर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ये इसलिए किया था नेचुरल और आर्टिफिशियल वाला, क्योंकि हमारी बहुत से सेंटेंसेस में हम ये वर्ड नेचुरल यूज करते हैं, सो उसकी एक क्लैरिटी अगर रहे कि हम नेचुरल बोल रहे हैं तो उसका एक मीनिंग ऐसा हम सब समझ लें, जब आप ये नेचुरल वर्ड बोलते हैं तो आप इससे क्या मीन करते हैं? नेचुरल मतलब जो अपने आप होता है, जिसके लिए किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। या सो नेचुरल को नेचुरल में एक उसकी एक प्रवृत्ति होती है ऐसा मैं समझ रही हूँ, लाइक उसमें कोई इरादा नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल, कोई इरादे से नहीं हो रहा वो चीज, उसकी प्रवृत्ति है वैसी और वो ऑटोमेटिकली वैसा ही होता है, लाइक लगभग वही कह रहा हूँ। और जो हम लोगों की कंडीशनिंग होके हम करते हैं वो सब अननेचुरल है। जैसे बच्चा पैदा होता है माँ का दूध पीता है तो वो नेचुरल ही है, लेकिन जहां वो जानवरों का दूध पीने लगता है वो अननेचुरल है। उसके लिए अननेचुरल निपल लेके आना पड़ता है, तो वो निपल उसके जीवन का पहला झूठ होता है, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब अननेचुरल है। सर मैं जितनी भी नॉलेज है सब अननेचुरल दिखती है, जितना गौरव जी। हाँ जी पास तोड़ दिया आज।
कोई बात नहीं, आप तोड़ के भी सबसे आगे हो। आज सुबह 8 बजे तोड़ा। आपने 100 घंटे वाटर फास्टिंग के पूरे किए हैं। 102 घंटे 102 घंटे हो गए। आपने क्या लिया निशा? सुबह पहले नारियल पानी लिया। अच्छा। फिर आधे पौने घंटे के बाद 7 इलायची केले खाए, 7-8 केले खा लिए। फिर बहुत भूख की क्रेविंग हो रही थी, फिर मैंने थोड़े आधी कटोरी मखाना खाए। मखाना हाँ, सॉल्ट वाले थे। फिर दोपहर को खजूर खाए। सॉल्ट दे के खाए मखाना या ऐसे ही? नहीं, थोड़ा हल्का सा सॉल्ट था। और अभी पैर खाए, खजूर खाए, अभी चेरी खा के बस खत्म करूंगी मेरा डिनर। मगर सर मोशन भी पास हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा ही खाइए। हाँ, एकदम थोड़ा खाती हूँ आज। और हर टाइम तो मैं फास्ट तोड़ती हूँ ना, तो इतना खाती हूँ, 5-6 थेपले गुड़ का पानी, गोंद की राब, और फिर इतना वॉमिट होता है। ये टाइम कुछ नहीं हुआ। और जहां तक हो सके आप फ्रूट ही खाइए निशा जी। थोड़ा सा ही मखाना खाए, एकदम हल्का सा। केले खाए ना तो मेरे को। ऑन द टॉपिक गौरव सर, वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ स्मूथली ब्रेकिंग द फास्ट आफ्टर अ लॉन्ग फास्टिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बनाना इज नॉट रिकमेंडेड राइट आफ्टर द ब्रेकिंग द फास्ट। सबसे पहले इन्होंने नारियल पानी लिया, इनका बहुत लंबा। उसके बाद और थोड़ा सा हल्का कुछ लेना था, वाटरी कंटेंट जितना ज्यादा होगा स्मूथली वो ओपनिंग होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो एनीवे, अगर अच्छे से चबा के खा रहे हैं तो चिंता करने की ज्यादा बात नहीं है। फिर भी लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग जितना वाटरी जो थोड़ा सा गलत लगाना वो नमक का लगा। इवन मखाना इज कम्प्लीटली वाटरलेस सब्सटेंस, तो वो तो अभी तो जरूरत नहीं था। एनीवे, नमक को तो अवॉइड करिए निशा जी, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। ओके, नमक के चक्कर में मत पड़ो। ओके जी, मगर बहुत अच्छे फास्ट हो गए खाने के बाद भी कुछ नहीं। तो हम तो उठ के पहले आधा कटोरी घी और आधा कटोरी दूध पीते पहले कि मोशन हो जाए। मेरे घर वाले बहुत इंसिस्ट कर रहे थे गुड़ का पानी पीना पड़ेगा। फिर मेरा हस्बैंड बोला अभी हमारे लिए भी नहीं बनाना। मैं तो नहीं बनाऊंगी, वो फास्ट करते हैं तो मैं ये सब करती हूँ, मैं तो नहीं बनाऊंगी। मेरे को तो एक काम कम हो गया अभी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे से हो गया, मोशन भी अच्छे से पास हो गया। 100 घंटे वाटर फास्ट मैंने नहीं किया अपने जीवन में कभी। अब जंगल में जाके आऊंगी निशा जी, करूंगी। कांग्रेचुलेशंस, यू मेक अस प्राउड, यू मेक अस प्राउड। उन्होंने मुझे आप लोगों के लिए रास्ता दिखा दिया। मगर बहुत बेनिफिट हुए वाटर फास्ट के। अब मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि 100 घंटे निशा जी की तरह पहले वाटर फास्ट। नींद भी अच्छी आ गई, अभी सो गई थी इसलिए तो अभी मीटिंग में आई। पर अगर बॉडी का इंडिकेशन ना हो तो बहुत फास्ट करना इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द बॉडी इंडिकेशन। इजंट इट? एक्चुअली ये लोग मोटे ताजे लोग हैं ये। सर इतने मोटे नहीं है हम लोग, हेल्दी लोग हैं, मोटे नहीं है। ग्लोरीफाई ना करें तो अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कभी कभी है ना जूम मीट पे बड़े बड़े चेहरे लगते, असलियत में हम लोग इतने नहीं मोटे। पिक्चर्स में कभी कभी बहुत मोटे लगते। आप ये शाहरुख खान को देख ले, टीवी पे इतना मोटा लगता है, रियल में मिलेंगे तो उसकी कमर एकदम पतली है। हम लोग ये सिर्फ पिक्चर्स में बड़े बड़े दिखते हैं, वरना नहीं है। और वजन काटे पे ही दिखते हैं। वजन पूछ लेते ना कि भैया कितना हाइट वेट है बता दो। हाँ, वो स्केल पे लगते हैं और पिक्चर्स में लगते हैं, बाकी तो हम एकदम ही पतले हैं। वेट स्केल पे दिखाई पड़ता है। एंड सर आई एम सॉरी टू से
Nisha ji makes us proud, but she makes you proud more than anyone else. सर ये चीज मैंने आपको पहले ही कह दिया था जब निशा जी डोसा भी खाती थी कि ये नेल्सन जो है बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। आज इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। यस यस अभी 100 घंटे का वाटा पास करने वाला मेरे पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, मैं भी नहीं। सर सर मेरे को एक बात ध्यान आ रही है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस पे कि आप क्यों ज्वाइन कर दिए हैं, मैं बोल सकती हूँ अभी? हाँ बताइए ना, बताइए। हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं ज्वाइन नहीं भी करती हूँ ना तो मैं कोई परेशान नहीं होती, मतलब कि मुझे करना ही करना है ज्वाइन, ऐसा भी नहीं है। ना भी करूँ तो कुछ और भी जो भी होगा वो करूंगी, बट ये जस्ट इट्स वन ऑफ द जस्ट अ लाइक इट्स नॉट एज इफ ये ज्वाइन करना मेरे लिए जरूरी है। आपको ये लग रहा है कि आप चाह के ज्वाइन या अनज्वाइन कर रहे हो? सॉरी मतलब ये आपके करने से आप ज्वाइन कर रहे हो, ये आपको ऐसा लगता है? सर मैं समझ नहीं पाई हूँ आपका क्वेश्चन। मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ज्वाइन इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप चाहते हो, इसलिए आप ज्वाइन कर पाते हो, ऐसा आप सोचते हो? और आप जिस दिन नहीं चाहोगे उस दिन नहीं ज्वाइन करोगे? नहीं सर, मतलब ये कोई एज सच ये कोई प्रेफरेंस से नहीं आ रहा है अभी तक, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, लाइक मे बी इट्स अदरवाइज, बट इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ द टू, लाइक जैसे अगर एक एप्पल और एक केला है सामने, तो अगर मुझे दोनों ही पसंद है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं एप्पल खाऊं या केला, तो मैं दोनों में से एक लूंगी, बट जो मैं ले रही हूँ वो जरूरी नहीं है कि मेरी चॉइस हो, ऐसा कह रही थी मैं। हम लोग जो है ये मीटिंग जो है जूम पे जो चल रही है, ये एप्पल और केला जितनी सुलभ अवेलेबल है नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लाखों लोग परेशान हैं उनको पता ही नहीं, लाखों लोग को हम कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन नहीं करते। तो आप ज्वाइन चाह के ज्वाइन की हो ऐसा हम मानते नहीं है, हो सकता है आप मानते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो जो भी आता है वो उसका भाग्य है, या जो एक मिलने का टाइम लिखा हुआ है उस वजह से मिल गए। आज जैसे कल्याण जी है, मैं जानते ही नहीं था इनको, किसी को भी नहीं जानता था, प्राजक्ता जी को, विनोद जी को भी, नीति जी को भी, किसी को नहीं जानता था, राजीव जी को भी नहीं जानता। और अभी ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे से बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसा लिखा होगा, ऐसा कुछ होना होगा, इसलिए ऐसा होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए आप यहाँ आए हो। एप्पल केला में चॉइस करते हुए आपने ऐसा नहीं है कि एप्पल चुन ली हो, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम उतने एक्सप्लिसिट चॉइस है ही नहीं, हम हिडन चॉइस हैं। यूनिवर्स के एक ऐसे कोने में हम जहां 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो हम उसका 1 करोड़ का हिस्सा भी नहीं। सर यहाँ भी लोग किस्मत से ज्वाइन कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं सर, मैंने पता नहीं कितने लोगों को बोला और कितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको, पर कोई सामने नहीं आया, कोई भी एक भी।
कितने ही लोगों को बोला, मतलब ये भी किस्मत होती है सर, हर कोई नहीं कर सकता। जब किसी ने ठीक होना होता है तभी वो आ पाता है। और वो भी और सर 2 घंटे बात करना ऐसे ही नहीं हो पाता, मतलब ये भी कि हम ऐसे ही सुन रहे हैं या ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, कोई वजह होती है इसकी भी। अरे मीनू जी कोई बात नहीं, कुछ ज्ञान हमने आपसे लिया, कुछ हमने अपनी बात आपसे कही, कुछ आपको सोचने का मौका मिला। कल हमने आपका क्वेश्चन सोचा कि भाई आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या फर्क है। चलिए इस मीटिंग को फिनिश करते हैं यहाँ पे, कल फिर मिलते हैं 3 बजे। सर एक क्वेश्चन, फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं टेलीग्राम पे, फॉर्म किस तरह फिल करने हैं? पिंड मैसेज में है, सुप्रीति जी से आप पूछ सकते हो, राजीव जी से पूछ सकते हो और कल्याण जी से पूछ सकते हो, वहाँ पे चैट तो चली गई, आप किसी से पूछ लीजिए। अच्छा ओके, वहाँ पर ही भर के भेजने हैं टेलीग्राम पे ही भर के? मुझे भेजना, मुझे नहीं नहीं वो बराबर है, लेकिन बट हाउ डू आई, टेलीग्राम से कॉपी कर लेना, वहां से ग्रुप के अंदर है वो फॉर्म, वहां से कॉपी करके पेस्ट करके उसके अंदर जो लिखना है वो लिख लीजिएगा। ओके ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।